वेबिनार को, आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आभारी आभार है, उनका आभारी आभार है। And a lot of people, lot of participants, that existing participants have joined today. Thank you for your time, energy, and your value addition to the today's class. आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ विषय में very quick, पूजा जी आपका मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। माइक अपना ऑन कर सकते हैं जब आपको कुछ बात करना हो, अदरवाइज कीप योर माइक ऑफ प्लीज। Academy, गुरुजी ज्ञान ट्रस्ट रजिस्टर्ड Academy. The purpose of Academy is to share this divine knowledge with you all. जितना हमको हमारे गुरुजनों से मिला है उतना हम आपको दें और आप आगे बढ़ाएं। ये क्रम चलता रहे और ये क्रम बढ़ता रहे। अब भारत विश्व गुरु बने, अब भारत जगत गुरु बने। जो वैदिक विद्याएं समय के साथ थोड़ा वीक हो गई, लुप्त हो गई, या जिनका प्रचार कम हो गया, जिनका दिनचर्या की लाइफ के अंदर, भागदौड़ की जिंदगी के अंदर जिनका यूजेस कम हो गया, जिनको अंधविश्वास के नाम से समझ लिया गया और जिनको नाना प्रकार की भ्रांतियों की वजह से जिनका मूल्य कम हो गया, एक बार रीस्टैब्लिश करने का एक प्रयत्न आप सबके माध्यम से, आप सबके सहायता से एक प्रयत्न। ये विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सबके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और भौतिक ग्रोथ के साथ साथ आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आने वाली पीढ़ियां उनके लिए महत्वपूर्ण है। और क्योंकि एक रूल है रीबर्थ, अगेन बर्थ, तो उसके अंदर जब हम दोबारा आए तो हमें भी उन सब चीजों का दोबारा से ज्ञान प्राप्त हो और उन सब चीजों से हमारी कनेक्टिविटी बने, तो इसके लिए एस्टैब्लिश करने के लिए क्रम आज ही करना पड़ेगा। एंड देन वी आर ट्राइंग एज बेस्ट पॉसिबल टू डू इट एंड शेयरिंग ऑल अवर डिवाइन नॉलेजेस टू यू, so that you can also forward it as best possible. एस्ट्रो वास्तु या एडवांस वास्तु की इस जर्नी के अंदर हमारा कैरिकुलम क्या होगा ये तो हम आगे शेयर करेंगे, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी जितना हमने अपने हमारे पास है वो हम सब आपको दे देंगे। और एकेडमी का ये एक रूल है, एकेडमी का रूल भी यही है कि एकेडमी जितनी भी डिवाइन साइंसेज है उनको बेयर मिनिमम कॉस्टिंग पे, एक्सपेंसेस के ऊपर ट्राइंग टू डिलीवर टू दी कम्युनिटी, एंड जितना ज्यादा होता है क्योंकि जितना हम खाली करेंगे उतना कॉस्मिक एनर्जी हमें वापस देगी। एकेडमी रूल ये है कि जो भी नॉलेज हम शेयर करते हैं वो एक बारी में एक क्लास के अंदर नहीं होती है, तो इसलिए हमारा कोशिश आता है कि हर व्यक्ति को रिपीट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो एकेडमी का रूल है कि रिपीट क्लास इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज फॉर रिपीट क्लास। इस पद्धति को, इस प्रणाली को हम आगे बढ़ा देंगे। आज का सब्जेक्ट रहेगा, पिछले कुछ समय में जैसे गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं तो लोगों का काफी क्वारी रही है कि किस समय गृह प्रवेश करना चाहिए, किस महीने में करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए और गृह प्रवेश के लिए क्या सही रहता है। इस विषय पे काफी हद तक लोगों का क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ समय में, तो हमारा आज का सब्जेक्ट भी इसी विषय पे ही रहेगा। और गृह आराम के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब चीजों पे काफी प्रश्न आए हैं। जर्नी के अंदर हमारे इस जर्नी में 2 महीने की जो जर्नी रहेगी इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, दैट वी विल सी आफ्टर सम टाइम। गृह प्रवेश या गृह आरंभ करने के लिए इंपॉर्टेंटली सब व्यक्ति जैसे अपने अपने तरीके से करते ही हैं, कुल देवी देवता का पूजा विधि पूर्वक पूजा, गणेश जी की पूजा, हर प्रकार से वो सब चीजें जो पूजा व्यवस्था है, जो क्रम कांड की एक्टिविटीज है वो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता ही है। तो बहरहाल हम क्रम कांड की एक्टिविटीज से आगे बढ़ते हैं और हम सीधा चलते हैं कि कौन से महीने में कैसे कैसे करना चाहिए और क्या क्या लाभ उसमें रहते हैं और क्या हमें दुष्प्रभाव उसके प्राप्त होते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ काफी लोगों को ज्ञान होगा कि सूर्य का ट्रांजिट जब चलता है तो कौन कौन से राशियों में कब कब सूर्य प्रवेश करता है, ये मैं समझता हूँ पता होगा। और जिनको नहीं पता होगा उनको हम क्लास के माध्यम से बताएंगे आगे जाके, बट बिहार के लिए मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि सूर्य मेष राशि में किस समय में आता है, वृषभ में कब आता है, कर्क में कब आता है, ये सबको ज्ञान होगा। और जिनको ज्ञान नहीं है, नो नीड टू वरी, वाइल कंटिन्यूइंग दी जर्नी आफ्टर दिस क्लास उसके अंदर कवर करेंगे इस बात को भी हम। अभी के लिए जब मेष राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो ये जो समय होता है ये ग्रह आरंभ के लिए, ग्रह आरंभ कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही शुभकारी फलदायक होता है। यही सूर्य अगर वृषभ राशि के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो धन की वृद्धि करने वाला समय होता है अगर इस समय पे ग्रह आरंभ किया जाए तो। मिथुन राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो ये ग्रह, ये महीना जो होता है मिथुन राशि वाला, ये ग्रह आरंभ के लिए अच्छा नहीं होता और ये मृत्यु युग के कष्ट के लायक होता है। यही सूर्यदेव जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो ये शुभ फलकारी होते हैं। सूर्यदेव जब सिंह राशि में आते हैं तो सेवकों की वृद्धि करने वाले होते हैं, ये भी शुभ होते हैं। कन्या राशि में रोग माना गया, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय अगर ग्रह आरंभ किया जाए तो ये रोगों से भरपूर होता है। बिल्कुल ठीक है सर, प्रीवियस नॉलेज ऑफ वास्तु की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज वी गो ऑन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। आज की क्लास के अंदर मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, जिनको बिल्कुल भी नहीं है इट्स ऑल राइट, यू जस्ट लिसन इट एंड व्हेन वी स्टार्ट अवर जर्नी नेक्स्ट वीक तो ये आपको मैं दोबारा से रिपीट करके बताऊंगा कि सूर्य का किस राशि में आरंभ को हम कैसे देखते हैं। बहुत आसान है, 10 मिनट लगेंगे इसको, हम करेंगे उस टाइम पे। वृश्चिक राशि में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो धन वृद्धि के लिए अच्छा होता है और इसमें ग्रह आराम करना अच्छा होता है। धनु राशि में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो महानानी के अंदर वृद्धि होती है और तो ये समय अच्छा नहीं होता। मकर राशि के अंदर जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो ये समय जो होता है धन प्राप्त करने के लिए अच्छा होता है, तो इट्स अ गुड टाइम। कुंभ राशि के अंदर जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो ये रतन लाभ माना गया है, इसको रतन लाभ, यानी कि ये समय अच्छा है। मीन राशि के अंदर जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो रोग भय का कष्ट, ये उसके मुताबिक फल प्राप्त होता है, तो इसलिए वो समय अच्छा नहीं माना गया। इसके साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि जब इंसान गड्ढा खोदता है, somebody sleeping, keep your mic off please. Admin request to control mics. Okay. जब सूर्यदेव जिस राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसमें किस जोन के अंदर हमें खड्डा खोदना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर गलत जगह से अगर खड्डा खुदता है तो ये काफी हद तक नुकसानदायक होता है। तो नींव खोदने के लिए राहु की दिशा का विचार किया जाता है, किस राशि में सूर्यदेव है और किस राहु का मुख कहाँ है, राहु की पूंछ कहाँ है और राहु की पीठ कहाँ जा रही है, इसका विचार किया जाता है गड्ढे की खुदाई के लिए। नींव के कारण, नींव स्टार्ट करने के लिए इसका विचार करना बहुत आवश्यक होता है। इससे काफी फर्क पड़ता है, इससे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें काफी कमी आती है और इससे हमारा भवन का सुरक्षित तरीके से भवन का निर्माण कार्य पूरा हो, अच्छा हो, शुभ हो। प्लीज कंट्रोल माइक्स। शुभ हो, इसके लिए देखा जाता है। जब सूर्यदेव सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में होते हैं तो राहु का मुख जो होता है वो ईशान कोण में माना गया है। आई रिपीट, जब सूर्यदेव सिंह राशि, कन्या या तुला में होते हैं तो राहु का मुख जो है ईशान कोण में माना गया है और उसकी जो पूछ है वो नेतृत्व कोण में मानी गई है, यानी कि ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट, नेतृत्व मतलब साउथ वेस्ट कोण में माना गया है। ऐसे समय में जब ये डायरेक्शन हो, जब सिंह कन्या तुला विच मीन्स लियो वर्गो एंड लिब्रा के अंदर सूर्यदेव होते हैं तो साउथ ईस्ट अग्न्य कोण से हमें खुदाई शुरू करनी चाहिए। यहाँ पे राहु का पीठ या पीछा हुआ हिस्सा माना गया है, तो यहां से हमें निर्माण कार्य स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा माना गया है। इसी प्रकार अगर जब सूर्यदेव वृश्चिक, धनु या मकर राशि में होते हैं, वृश्चिक, धनु या मकर, वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो, सेक्रेटेरियस और कैप्रिकॉन राशि में जब होते हैं तो ऐसा माना गया राहु का मुख जो होता है वो वायव्य कोण की तरफ होता है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, और उसकी जो पूछ होती है वो आंगन्य कोण की तरफ होती है, विच मीन्स साउथ ईस्ट। ऐसे केस के अंदर ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट से हमें भवन का निर्माण कार्य आरंभ करना चाहिए। जब सूर्यदेव की गति कुंभ, मीन या मेष राशि में आती है, कुंभ, मीन, मेष राशि, एक्वेरियस, पैसेज एंड एरीज के अंदर जब आती है तो राहु का मुख नैऋत्य कोण में कितना माना गया, साउथ वेस्ट में माना गया, और पूछ उसकी नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में मानी गई। ऐसे समय में वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट से आरंभ करना चाहिए। यही सूर्यदेव की गति वृषभ मिथुन कर्क राशि में जब आती है, वृषभ मिथुन कर्क राशि में जब आती है, वृषभ टॉरस जेमिनी एंड कैंसर में जब आती है तो राहु का मुख आग्नेय कोण में और पूछ जो है उसकी वायव्य कोण में माना गया, और यहाँ से माना गया साउथ वेस्ट से हमें निर्माण कार्य चालू करना चाहिए। ये हो गई डायरेक्शंस की बात। अब बात एक बार कर लेते हैं कि कौन कौन से महीने में करना चाहिए कार्य। हमारे 12 महीने हैं, हिंदी के 12 महीने माने गए हैं। हिंदी के 12 महीने कौन से माने गए हैं? चित्रा, मार्च, अप्रैल, विशाखा, अप्रैल, मई, ज्येष्ठा, मई, जून, आषाढ़, जून, जुलाई, श्रवण, जुलाई, अगस्त, भाद्रपद, अगस्त, सितंबर, अश्विनी, सितंबर, अक्टूबर, कृतिका, अक्टूबर, नवंबर, मृगशिरा, नवंबर, दिसंबर, पुष्या, दिसंबर, जनवरी, मघा, जनवरी, फरवरी एंड फाल्गुनी, फरवरी, मार्च। ये 12 महीने हमारे माने गए हैं। जब हम क्लास करेंगे तो इसके नोट्स आपको बकायदा मिलेंगे, सारे नोट्स। तो इसमें जो लोगों का अभी नोटिंग नहीं होगा तो इट्स ऑल राइट, वी विल शेयर एंटायर नोट्स। चैत्र मंथ के अंदर कोई भी ग्रह आरंभ करने का समय जो होता है वो am I audible to you all? Yes sir. Yes sir. Right. Yes sir. चैत्र मंथ के अंदर ग्रह आरंभ करने का जो समय होता है, अगर वो रोग और शोक की प्राप्ति के लिए होता है, रोग और शोक देता है, तो इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। वैशाख मंथ के अंदर अगर हम ग्रह का कार्य शुरू करते हैं, एंड दैट आल्सो अप्लाइज, जो लोग भवन का निर्माण करते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंदर, जिसके अंदर ईंट पत्थर चिनाई का कार्य होता है, वहां पे भी अप्लाई करेगा। जो लोग लकड़ के कार्य से घर का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पे अप्लाई नहीं करेगा, बट जो लोग सीमेंट पत्थर लोहा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है इसको यूज कर रहे हैं वहां पे भी ये अप्लाई करेगा, तो रिकंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी ये अप्लाई करेगा। प्लीज डू कंसिडर इट। एट टाइम्स वी फील दैट हम सिर्फ कुछ रिनोवेशन एक्टिविटी कर रहे हैं और जिसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप छत का कार्य कर रहे हो, आप कुछ एड ऑन कर रहे हो अपने घर के अंदर, तो ये एक्टिविटी कंसिडर होगी। इसी प्रकार विशाख के महीने में अगर ग्रह आरंभ होता है, एक्टिविटी आरंभ होती है, तो धन, धान्य, पुत्र और आरोग्य कार्य के अंदर प्राप्ति होती है, यानी कि दिस इज कंसिडर्ड गुड। ज्येष्ठ माह के अंदर अगर कार्य होता है तो मृत्यु और विपत्ति प्राप्त होती है, तो इसमें यह दुखकारी होता है, इज नॉट कंसिडर्ड गुड। आषाढ़ को बोला गया पशुओं की हानि, इज नॉट कंसिडर्ड गुड। श्रवण के अंदर हम ग्रह कार्य चालू करते हैं तो ये पशु को धन की वृद्धि के लिए, मित्रों के अंदर वृद्धि के लिए अच्छा माना गया, एंड इज कंसिडर्ड गुड। ये मास अच्छा माना गया है। भाद्रपद के माह के अंदर अगर हम कार्य चालू करते हैं तो ये दरिद्रता का, विनाश का निशान माना गया है, तो ये अच्छा नहीं माना गया। अश्विनी माह के अंदर अगर हम कार्य चालू करते हैं तो ये नाश, कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा का कारक माना गया, तो इसमें इज नॉट कंसिडर्ड गुड। कार्तिक माह के अंदर अगर हम ग्रह आरंभ का कार्य चालू करते हैं तो ये धन की प्राप्ति, पुत्र की, आरोग्य कार्य की प्राप्ति के लिए अच्छा माना गया है, इज कंसिडर्ड गुड। मृगशीर्ष में ग्रह का आरंभ करते हैं तो ये लाभप्रद माना गया, धन की प्राप्ति के लिए लाभप्रद माना गया, पदार्थों की प्राप्ति के लिए लाभप्रद माना गया, इज कंसिडर्ड गुड। पौष माह के अंदर अगर ग्रह का कार्य चालू करते हैं तो ये चोरों का भय, इसमें बोला गया चोरों का भय, इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। माघ माह के अंदर अगर हम कार्य करते हैं तो ये अग्नि का भय बोला गया, इट इज अगेन नॉट कंसिडर्ड गुड। फाल्गुन के अंदर अगर हम कार्य चालू करते हैं तो धन, सुख सुविधाओं की प्राप्ति, वृद्धि के लिए माना गया है, ये वंश वृद्धि के लिए माना गया है, तो इट इज कंसिडर्ड गुड। तो ये इस तरीके से महीने हमारे को कुछ महीने हमारे जीवन में जो अच्छे माने गए हैं, कुछ महीने हमारे जीवन में अच्छे नहीं माने गए हैं, इन कारकों से संबंधित। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से फिर अगर तिथियां आ जाती हैं, जो हिंदी की तिथियां होती हैं, हिंदी की तिथि में द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी एंड त्रिदशी, पूर्णिमा, ये तिथियां ग्रह आरंभ के लिए शुभ फल देने वाली मानी गई हैं। ये तिथियां ग्रह आरंभ के लिए शुभ फल देने वाली मानी गई हैं। आमतौर पर वास्तु को 3 तरीके से देखा जाता है: स्थगित वास्तु, चलत वास्तु और नित्य वास्तु। जो स्थगित वास्तु होता है वो फिक्स पोजीशन ऑफ वास्तु से कनेक्ट करता है। फिक्स पोजीशन ऑफ वास्तु जैसे ग्रहों की दिशाएं फिक्स, ग्रहों का अपनी प्लेसमेंट फिक्स, उससे देखा जाता है, जिसको हम आगे अपनी जर्नी में पढ़ेंगे। जो अभी हमने वास्तु पढ़ा, यह मुहूर्त विज्ञान से कनेक्ट करता है, ऑस्पिशियस महीने से कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं चलत वास्तु। ये ऑस्पिशियस मंथ के ऊपर बेस्ड है, ऑस्पिशियस टाइम के ऊपर बेस्ड है, ये चलत वास्तु से कनेक्टेड है। चलत वास्तु के अंदर और बहुत चीज आती हैं, जिसको हम आगे जाके देखेंगे, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट था, काफी कवरेज थी इससे रिलेटेड मेरे पास, तो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। चलत के बाद आता है एक वास्तु जिसको हम बोलते हैं नित्य वास्तु। नित्य वास्तु मतलब डेली, एवरीडे। तो एवरीडे अगर हमारे को कोई एक्टिविटी करनी है, कोई तो डेली के अंदर हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, डेली मुहूर्त या डेली ऑस्पिशियस डे टाइम हम कैसे निकालेंगे, इसको हम फिर आगे जाके देखेंगे। बहरहाल चलत वास्तु के अंदर हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को स्टार्ट कैसे करना है, ऑस्पिशियस मंथ कौन सा होगा, उसका दिन कैसे, महीना कैसे निकालेंगे, दैट एक्टिविटी वी विल एबल टू डू इफ अगर हमारे को नक्षत्रों का, महीनों का, सूर्य की गति का थोड़ा ज्ञान होगा तो वी विल एबल टू डू दैट। इसी प्रकार सोमवार, बुधवार, शुक्र, शनि, ये जो दिन होते हैं, सोम, बुध, शुक्र, शनि, ये ग्रह आरंभ के लिए उत्तम माने गए हैं। रविवार और मंगलवार को भूमि खोदने के लिए कदापि नहीं बोला गया, तो ये अनिष्ट माने गए हैं। ये मंगलवार रविवार को ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए भूमि के लिए, ये 2 दिन अच्छे नहीं माने गए हैं। मृक्ष, पोष, माघ के जो महीने हैं, इसमें राहु को पूर्व की तरफ माना जाता है। फाल्गुन, चैत्र, वैशाख के जो महीने हैं, इसमें राहु को दक्षिण की तरफ माना जाता है। ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रवण के जो महीने हैं, इसमें राहु को पश्चिम की तरफ माना जाता है। भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक के जो महीने हैं, इसमें राहु को उत्तर की तरफ माना जाता है। इन दिशाओं में स्तंभ नहीं रखना चाहिए, इन दिशाओं में, इन महीनों में स्तंभ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है अविनाश का, नाशक का कारक होते हैं। भय, अग्नि, गमन, नुकसान, कुलनाश का कारक बनते हैं। तो नींव खोदते समय या नींव की भरवाई करके स्तंभ लगाते समय इन माहों का ध्यान रखना चाहिए। इन माह के अंदर, इन डायरेक्शंस के अंदर हमें स्तंभ स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए, पिलर की स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नींव खोदते समय अगर पत्थर या पत्थर मिलते हैं या भूमि के अंदर नाना प्रकार की चीजें मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल हड्डियां मिलती हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा, कुलनाशक। कोड़ी मिलती है तो लड़ाई झगड़ा, दुख की प्राप्ति, इनको माना जाता है, जिसकी अब डिटेलिंग पे बात करेंगे, ये काफी डिटेल है ये, तो दैट वी विल कवर इट। ठीक है, तो ये इस छोटा सा पार्ट था ये। इफ दिस इज क्लियर देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी तक के विषय पे किसी का कोई प्रश्न, कोई चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जी अतुल जी, सर आपने ग्रह प्रवेश का, सॉरी, ग्रह निर्माण के लिए बताया, तो ग्रह निर्माण वो तो इंडिविजुअल मकान बनाते हैं उसके लिए, लेकिन फ्लैट्स बनाते हैं उसमें भी सेम रूल्स लागू पड़ता है या उसका मतलब उसका कुछ लागू नहीं पड़ता? फ्लैट बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। गृह निर्माण इंडिविजुअल हो या किसी प्रकार का भी निर्माण कार्य हो, हर निर्माण कार्य में ये रूल लागू होता है। इसके साथ एक चीज और भी इंपॉर्टेंटली लागू होती है कि हर व्यक्ति का जन्म का सूर्य किस राशि में बैठा है, जन्म सूर्य किस राशि में बैठा, जिस राशि में जन्म सूर्य बैठा उसके हिसाब से भी माह को हम देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी का सूर्य तुला राशि में बैठा है, तुला राशि नीच की राशि मानी जाती है, राइट। तुला राशि में बैठा हुआ सूर्य नीच का माना गया, तो यहाँ पे सूर्य जब सूर्यदेव कर्क और सिंह राशि में आएंगे तो ये समय जो होता है, और इसके साथ श्रवण नक्षत्र के जब आएगा, श्रवण माह जब आएगा, श्रवण माह के अंदर ये कार्य करने से वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है ऐसे व्यक्ति को। तो ये बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे किस व्यक्ति की कुंडली में किस जगह पे सूर्यदेव बैठे हैं और उसके लिए कौन से सूर्य की गति में कौन सी राशि के अंदर और कौन से भाग के अंदर कार्य करना चाहिए। ये बड़ा स्पेसिफिक होगा उस टाइम पे, इस एक्टिविटी को भी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे तुला राशि का तुला का सर जी बोले जी। सर मेरा स्कॉर्पियो में मेरा नवंबर का 25 तारीख स्कॉर्पियो में सूर्य है, तो इसका मतलब क्या है सर? अगर आपका स्कॉर्पियो में सूर्य यानी कि वृश्चिक के अंदर आपका सूर्य है, तो मकर, मेष और सिंह के अंदर जब सूर्यदेव गोचर के अंदर आएंगे तो ये माह जो होंगे आपके लिए अच्छे माने जाते हैं। इस माह में आप अपना निर्माण कार्य करते हैं तो ये अच्छा होता है। और इसके साथ जो मास जुड़ते हैं, वैशाख और पोष जुड़ते हैं, पोष का जो माह के अंदर अगर आप ये कार्य करते हैं तो ये कार्य आपके लिए धन लक्ष्मी वृद्धि करता है। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर, कभी किसी ने फ्लैट परचेस किया है या परचेस कर जाते हैं तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? तो ग्रह आराम नहीं होगा उस समय, ग्रह आराम नहीं है, ग्रह तो ऑलरेडी घर तो बन चुका, ग्रह प्रवेश की प्रणाली को देखेंगे उस टाइम पे हम। Okay. वो ग्रह प्रवेश की प्रणाली पे स्टेट करेगा क्योंकि ग्रह ऑलरेडी बन चुका है वो। सर गुड इवनिंग जी। सर ये पूछ रहा था कि मान लो घर बना रहे हैं तो कुछ पता नहीं सर कि किस नक्षत्र में बनाया, कैसा बनाया, लेकिन अब घर बनाते बनाते अगर रुक जाए तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है या उसका कारण? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका कारण जब घर बनाते बनाते कष्ट आता है और घर रुक जाता है तो उसके कारण आ जाते हैं और इसके फिर उसके भी उपाय किए जाते हैं। तो उपाय को हम देखेंगे, अपनी जर्नी में उपाय करेंगे इसके, ठीक है? तो ये बिल्कुल होता है इसके अंदर, क्योंकि सर एक्चुअली जब से वो घर स्टार्ट कर रखा है अभी हम बना रहे हैं तो एक तो वो रुक गया एंड सेकेंडली क्या है कि उस घर के होते हुए ना दो बार तो हमें कि थाने वाले चक्कर पड़ गए या कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। कौन से महीने में घर चालू हुआ था अप्रोक्सीमेट सर? ये जून के महीने की बात है, जून के महीने में चालू हुआ था। जून के महीने में आषाढ़ आता है, ठीक है? अभी मैंने बोला आषाढ़ के नक्षत्र के अंदर अगर घर चालू होता है तो दिक्कत आती है, अभी मैंने बोला आषाढ़ के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, वही तो सर अभी दिमाग में बताई थी वो वाली। हाँ, तो आषाढ़ के महीने में घर चालू करना तकलीफ अगर होता है, आषाढ़ का महीना होता है पशुओं की हानि होना, यानी कि घर की हानि होना, कंस्ट्रक्शन की हानि होना, बहुत कुछ सर प्रॉब्लम्स आगे इस करके। आषाढ़ के महीने में घर चालू नहीं किया जाता। तो सर इसका फिर आप इसका उपाय करेंगे, इसका आप करेंगे आगे जाके, अब जो हो चुका वो हो चुका, उसका उपाय करेंगे आगे जाके। ओके सर, थैंक यू सर। राइट। नक्षत्र सर मैंने जिसका भी सर सूर्यदेव सर स्कॉर्पियो में है, इसका मतलब कौन सा नक्षत्र उसके लिए अच्छा माना जाता है सर? नहीं, नक्षत्र अच्छा माना जाता है वो बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ये बात है कि घर का आरंभ कब कौन से नक्षत्र में करना चाहिए, उस पर बात करिए हमने, ठीक है? अच्छा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ टुडे। हम 3 चैप्टर करेंगे, एक चैप्टर हमने किया अभी, उसका एक कुछ एक्टिविटी उसका पार्ट किया हमने। सेकंड चैप्टर करते हैं घर का स्लोप के ऊपर ही बहुत सारी क्वेरीज आई हैं पिछले कुछ समय में कि किस जगह पे कैसा आना चाहिए, तो उसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं अभी हम। स्लोप के ऊपर कहाँ से ऊंचा होना चाहिए, कहाँ से नीचा होना चाहिए, तो भूमि की सतह कैसी होनी चाहिए, ऊंची नीची कहाँ से होनी चाहिए। अगर पूर्व से भूमि ऊंची होगी तो ये पुत्र और धन का नाश दर्शाती है, ये अशुभ मानी गई है। पूर्व ईस्ट से अगर ऊंची होगी, अगर ने साउथ ईस्ट से अगर भूमि ऊंची होगी तो ये धन देने वाली मानी गई है। दक्षिण साउथ से अगर भूमि ऊंची होती है तो कामनाओं की पूर्ति मानी गई है और निरोग करने वाली होती मानी गई है। नक्षत्र साउथ वेस्ट से अगर भूमि ऊंची होगी तो धन दायक मानी गई है, धन लाभ माना गया यहाँ से। पश्चिम वेस्ट से अगर भूमि ऊंची है तो पुत्र लाभ, धन की प्राप्ति, धन में वृद्धि मानी गई है। वायव्य से अगर नॉर्थ वेस्ट से अगर ऊंची भूमि है तो धनदायक मानी गई है। ऐसा उत्तर की ऊंची भूमि पुत्र और धन का नाश करने वाली मानी गई, यानी कि नुकसानदायक मानी गई है। ईशान की ऊंची भूमि महाकलेश के लिए मानी गई है। अब ये कॉम्बिनेशन के अंदर भी आ जाती हैं, एक साइड से ऊंचा एक साइड से नीचा। पूर्व के अंदर नीची भूमि, पहले एक बार कॉम्बिनेशन से पहले एक बार ये भी कर लेंगे कि कौन से साइड से नीची और कौन से साइड से ऊंची। तो अभी हमने ऊंची का देख लिया, एक बार नीची भी देख लेते हैं। पूर्व की अगर नीची भूमि है, पूर्व के अंदर मतलब ईस्ट की अगर नीची भूमि है तो ये अच्छा माना गया वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। साउथ ईस्ट की अगर नीची भूमि है तो ये मृत्यु भय करवाने वाली, धन नाश करवाने वाली मानी गई है साउथ ईस्ट की नीची भूमि। दक्षिण की नीची भूमि रोग, मृत्यु भय, पुत्र नाशक, घर की ग्रोथ रुकना, घर के अंदर गर्भ वृद्धि होना, इसके भय को माना गया है, तो इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। साउथ वेस्ट की अगर भूमि नीची है तो ये रोग चोर चकारी भय को माना गया है, धन की हानि को माना गया, इज नॉट कंसिडर्ड गुड। पश्चिम की निजी भूमि धन नाशक, पुत्रों की हानि, कलह क्लेश को माना गया, इज नॉट कंसिडर्ड गुड। वायव्य की निजी भूमि अगर आती है तो ये रोग, धन नाशक, कलह क्लेश को माना गया, इज नॉट कंसिडर्ड गुड। उत्तर की निजी भूमि धन वृद्धि, वंश वृद्धि, पुत्र वृद्धि के लिए मानी गई है, इज कंसिडर्ड गुड। ईशान की नीची भूमि विद्या देने वाली, धन देने वाली, सुख देने वाली, सुख प्रदान करने वाली भूमि मानी गई है, तो इट इज कंसिडर्ड गुड। अब कई जगह से भूमि कई जगह पे ऊंची होती है, कई जगह पे नीची हो जाती है। पूर्व की, ईस्ट की और अग्रण्य कोण की साउथ ईस्ट की भूमि अगर ऊंची आ जाए, पूर्व और साउथ ईस्ट ऊंचा हो जाए और पश्चिम, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट नीचा हो जाए तो उसको पितामह वास्तु कहा गया, सुख देने वाला वास्तु कहा गया है। इसी प्रकार दक्षिण, साउथ और आग्नेय साउथ ईस्ट की भूमि ऊंची हो जाती है और उत्तर, नॉर्थ और वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट की भूमि नीची हो जाती है, तो उसको सपुत वास्तु कहा गया, जो कर्मों में शुभता लाने वाला वास्तु बोला गया। यानी कि साउथ ईस्ट ऊंचा हो जाता है, उत्तर नॉर्थ वेस्ट नीचा हो जाता है, तो ये कर्मों में शुभता लाने वाला बोला गया है। नॉर्थ की और नॉर्थ ईस्ट की भूमि अगर नीची हो जाती है और साउथ वेस्ट की और साउथ की भूमि अगर ऊंची हो जाती है तो दीर्घायु वास्तु बोला गया है, इसको कुल की वृद्धि वाला वास्तु बोला गया है। यानी कि साउथ वेस्ट साइड ऊंचा हो, साउथ ईस्ट साइड नीचा हो, तो इसको दीर्घ वास्तु बोला गया, दीर्घायु वास्तु बोला गया, दीर्घायु वास्तु। पूर्व की और ईशान की नीची हो जाती है, पूर्व मतलब ईस्ट, ईशान नॉर्थ ईस्ट की नीची हो जाती है और पश्चिम की और साउथ वेस्ट की भूमि ऊंची हो जाती है, तो इसको पुण्य वास्तु बोला जाता है, पुण्य वास्तु, ये शुभ वास्तु है, दिस इज कंसिडर्ड वेरी गुड। इसी प्रकार पूर्व की भूमि, पूर्व ईस्ट की भूमि और आग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट की भूमि नीची हो गई है और वायव्य की यानी कि नॉर्थ वेस्ट की, पश्चिम वेस्ट की भूमि ऊंची हो जाती है, तो इसको अपथ वास्तु बोला जाता है, ये कलह क्लेश करवाने वाला वास्तु है, इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड वास्तु, दिस इज नॉट गुड। दक्षिण की भूमि और आग्नेय की भूमि नीची हो जाती है और उत्तर की और वायव्य की भूमि ऊंची हो जाती है, तो रोग कारक वास्तु बना जाता है। यानी कि दक्षिण की भूमि साउथ की और आग्नेय मतलब साउथ ईस्ट की भूमि अगर नीचा है, साउथ वो पार्ट नीचा है घर का और उत्तर का और नॉर्थ वेस्ट का पार्ट उठा हुआ है घर का, तो ये रोग कारक वास्तु माना गया, ये रोग पैदा करने वाला वास्तु माना गया, इसको अच्छा नहीं माना गया है। इसी प्रकार कुछ और कॉम्बिनेशंस भी हैं, जो कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसको हम कवर करेंगे। जो भूमि किस प्रकार की है, सेंटर में से भूमि उठी हुई है तो उसका क्या इफेक्ट है, साइडों से भूमि दबी हुई है तो उसका क्या इफेक्ट है, किस साइड से कौन सा स्लोप जा रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में इनकी करेक्शंस कैसे करी जाए, ये कैसे, क्या तरीका, इनको क्या इक्विपमेंट लगाया जाए, क्या तरीका क्या हम किया जाए ताकि इनकी करेक्शन हो सके और इनके दोष को हम कम कर सके और इस दोष से हमारा जो नुकसान हो रहा है उस पर हम कंट्रोल ला सकें, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे आगे। ये पार्ट टू था, दिस इज पार्ट टू। अब इसके बाद हम काम करेंगे किस डायरेक्शन में किस व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अपना गेट खोलना चाहिए। जी, अभी तक इस पार्ट पे किसी का कोई प्रश्न है, किसी से कोई जानकारी चाहिए तो बात कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कीप योर ऑडियो वीडियोज ऑन, एटलीस्ट कीप योर वीडियोज ऑन। थैंक यू, थैंक यू इतल जी, थैंक यू मनोज जी, thank you. Yes, now it looks vibrant. Thank you. तो हमने दो चैप्टर किए हैं अभी तक। हमने किस महीने में भवन का निर्माण कार्य या आपके अपने भवन के अंदर रिनोवेशन की एक्टिविटी, निर्माण कार्य कई बार लोग जीवन में एक या दो बार ही कर पाते हैं, लेकिन भवन के अंदर रिनोवेशन की एक्टिविटी आमतौर पे होती है जिसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट, रेत, ईंट, पत्थर, सरिया, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रिनोवेशन होती रहती है इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट योग होता है किस माह में किस दिन से हमें ये कार्य करना चाहिए, और इसकी अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें कई बार नुकसान होता है। और इसको बोलते हैं चलत वास्तु। चलत वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्पिशियस डेट, ऑस्पिशियस महीना निकालने के लिए। और नित्य वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट राइट डेट ऑफ द मंथ। तो ये दोनों वास्तु में, चलत वास्तु हमने किया, नित्य वास्तु हम आगे जाके करेंगे, और स्थगित वास्तु, स्थगित अपने आप में जैसा रेनोवेशन में पेंट और ये जो दूसरा काम होते हैं छोटे मोटे पेंट वगैरह के। पेंट इज नॉट रेनोवेशन, पेंट इज दी, मैंने बोला अभी जैसे अगर आप लकड़ का कार्य करते हैं, लकड़ का कुछ फर्नीचर बना रहे हैं या कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो रेनोवेशन, बट उसके अंदर ये नियम लागू नहीं होता। वो आप चलत वास्तु का ऑस्पिशियस जनरल डेट एंड टाइम निकाल के कर सकते हैं। वो भी हम सीखेंगे कैसे करते हैं, बट उसमें ये गृह प्रवेश, गृह आरंभ वाली प्रणाली लागू नहीं होती उसमें। ठीक है जी, राइट। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर ये एस्ट्रो वास्तु है या नॉर्मल वास्तु है? जैसे एस्ट्रो वास्तु है, इसके अंदर हम हिट थ्योरी भी करेंगे। इसमें अभी हम थर्ड पार्ट इसका अभी आने वाला, अष्टक वर्ग से वास्तु। इसको सुना है जैसे कोई भी हमारी दिशाएं हैं तो वो अकॉर्डिंग टू कुंडली उसके वो करेंगे, उसको देख के yes. उसके हिसाब से होती है, कोई दिशा किसी के लिए सेम रिजल्ट नहीं देती है। जी बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं कह रहे हैं अभी अष्टक वर्ग से वास्तु, और उसके बाद जो हिट थ्योरी वास्तु एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होती है वो भी हम करेंगे। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ टुडे कोर्स, बट जर्नी के अंदर वो कवर होगी। जर्नी में क्या टॉपिक कवर होंगे वी विल डू इट, अभी 2-5 मिनट के अंदर वो करते हैं। अष्टक वर्ग से वास्तु, अष्टक वर्ग, जिनको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है उनको अष्टक वर्ग के विषय में ज्ञान हुआ, जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है उनको नहीं भी होगा, तो हम उतना पार्ट हम कवर करेंगे अपनी जर्नी में। सो आई एम इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि किन लोगों को अष्टक वर्ग का ज्ञान है। अष्टक वर्ग का अनिता जी ने बोला उन्हें ज्ञान है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया। सर एक्सक्यूज मी सर, क्या अष्टक वर्ग के कॉन्सेप्ट से सर क्या एस्ट्रो वास्तु किया जाएगा या नॉर्मल वास्तु? एस्ट्रो वास्तु जब अपने आप बनता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वास्तु करते हैं तो वो अपने आप एस्ट्रो वास्तु बन गया। सो अष्टक वर्ग इज इट इज ए टूल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। सो जब हम एस्ट्रोलॉजी का टूल यूज कर रहे हैं और वास्तु कर रहे हैं तो एस्ट्रो वास्तु बन गया। ओके सर, थैंक यू। हमारी राशियां के अपने अपने डायरेक्शंस होते हैं, हर व्यक्ति को पता है। जी अनिता जी बोले, अनिता जोशी जी अनम्यूट करें, बोले। नमस्कार सर। नमस्कार अनिता जी। सर एक मिनट, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आप आ रही है मुझे आपकी आवाज, आप बोले। सर आपकी आवाज नहीं हो रही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आई एम ऑडिबल? यस सर, यस आ रही है। अनिता जी बोले आप। सर जी बोले। अनिता जी आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार माइक ठीक करें उसके बाद बताएं क्या कह रहे हैं आप प्लीज, और चैट में लिखिए, अदरवाइज हम वहां से ले लेंगे आपका प्रश्न। वंदना जी एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। यस ये एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है जो आपने चैट में लिखा प्रश्न। एंड अष्टक वर्गा के अंदर जब हम अष्टक वर्गा से वास्तु करेंगे तो हम घर की हर चीज, घर का किचन, टॉयलेट, हर एक्टिविटी को अष्टक वर्गा से मैच करेंगे। आज के लिए हम द्वार को मैच करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम बेडरूम एक्टिविटीज, बेडरूम, हमारा टॉयलेट, हमारा घर, हमारा किचन, हमारा नहाने का स्थान, बाकी जो भी घर के अंदर चीजें वस्तुएं होती हैं, उन सब चीजों को हम अष्टक वर्गा से मैच करेंगे कि किसकी अष्टक वर्गा में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही पर्सनल होता है। हर एक का चार्ट अपना पर्सनल चार्ट है। ये सर ये दिशाएं कैसे चेक की जाती हैं? सर कौन सी दिशाएं? सुमित कुमार जी कौन सी दिशाएं की बात कर रहे हो आप? अच्छा सर एक्सक्यूज मी सर, अगर सर मेरा जो मार्स है वो अगर सर टॉरस की राशि में यानी कि मेरा सेकंड हाउस में सर अगर 4 से ज्यादा पॉइंट दिया तो तब तो वो अच्छा ही है। तो क्या मैं सर नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में कोई मार्स का कोई आइटम प्लेस कर सकता हूँ सर? 4 पॉइंट पे नहीं होगा, 4 पॉइंट पे नहीं होगा, 8 पॉइंट तक आते हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। 4 पॉइंट पे नहीं होगा, 4 पॉइंट के ऊपर नहीं करेंगे। अच्छा तो सर 5 या 6 सर, अगर 7 या 8 पे आता है तब कर सकते हो ना। इन्होंने ये पॉइंट बोला, इनको थोड़ा ज्ञान है जय मित्रा जी को, इन्होंने अच्छा पॉइंट रेज किया। तो मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, एक टिप यहाँ पे ये है जिनको अष्टक वर्ग का ज्ञान है। कई लोगों के हम प्लेनली बोलते हैं कि नॉर्थ के अंदर किचन इज नॉट कंसिडर गुड, बर्नर इज नॉट कंसिडर गुड, ठीक है, हम बहुत आसान तरीके से बोलते हैं। जिस व्यक्ति के नॉर्थ के अंदर, जिस व्यक्ति के नॉर्थ के अंदर मंगल की राशि, मंगल जो प्लैनेट है वो अगर 8 पॉइंट दे रहा है, अगर 8 पॉइंट दे रहा है तो नॉर्थ के अंदर अगर किचन भी लगाएगा तो वो बढ़िया काम करेगी। अब राशि की अपनी डायरेक्शंस है, नॉर्थ की राशि की अपनी डायरेक्शन है। नॉर्थ की राशि कौन सी है? 1, 5, 9 सर स्पेसिफिक चलो 12 राशियों में। मेष, सिंह और धनु नहीं, जब हम नॉर्थ को लेंगे तो हम 6 नंबर लेंगे, वर्गो लेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि 12 की 12 राशियों की कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं। तो हम यहाँ वर्गो पकड़ेंगे, कन्या पकड़ेंगे। अब कन्या के अंदर, कन्या के अंदर मंगल जब विनाशक वर्ग करेंगे उसका, और उस विनाशक वर्ग के अंदर मंगल के अच्छे पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो उस नॉर्थ के अंदर अगर हम किचन भी लगाएंगे तो वो भी उस व्यक्ति के लिए भरपूर कार्य करेगी। अच्छा सर जो 12 राशि है सर, मेष आपका ईस्ट डायरेक्शन है सर, ये हम करेंगे पूरी 12 की 12 डायरेक्शंस आगे। माने हाँ सर जो टॉरस है वो नॉर्थ वेस्ट है सर, सर जो जेमिनी है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है सर। आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये नहीं समझ पाया। वो सर जो 12 राशि और उनका डायरेक्शन सर। हाँ जी, तो सर जो कैंसर है उसका डायरेक्शन है सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट सर। मैं सर जो लियो है उसका डायरेक्शन है सर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सर। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पाया। वो सर आपने बोला कि किसी का नॉलेज है 12 राशि का डायरेक्शन क्या है, मैं वही वो तो मैं भी बता सकता था। ओ अच्छा सॉरी सर, सॉरी। तो मैंने ये बोला कि यार चैप्टर अगर हम यहाँ पूरा करेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा फिर वो, ठीक है, तो विनाशक वर्ग की तो फिर करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी सर। तो या तो आप विनाशक वर्ग भी बता दो पूरा। इसका सितारे वाला अलग रखना पॉइंट जी। हेलो सर। हाँ जी सुमित जी। सर मैं पूछ रहा हूँ जैसा हमारा घर, जो हमारे घर का द्वार है वो पश्चिम की तरफ को है, मुख्य द्वार। हेलो राइट, सो पश्चिम की तरफ का द्वार है आपका, बोलिए आगे। हमारा ये डायरेक्शन कैसे पता चला है कि हमारा ये उत्तर में है, दक्षिण में है, ये कैसे पता चलेगा? कंपास से। क्या सर? कंपास से। घर के बीच में मोबाइल और कंपास लेके खड़े हो जाओ, घर का कंपास आपको बता देगा कि आप साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो। जी सर, ओके सर, धन्यवाद सर। ठीक है ओके। अब इन्होंने बोला इनका घर का जो द्वार है वो वेस्ट में आ रहा है। हमारी डायरेक्शनल साइंस जो है राशियों की, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12। 1, 5, 9 ईस्ट, 2, 6, 10 साउथ, 3, 7, 11 वेस्ट और 4, 8, 12 नॉर्थ। इन डायरेक्शन साइंस के अंदर अष्टक वर्ग के सम टोटल पॉइंट अगर आप जब करोगे तो जिन जिन डायरेक्शंस के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस बनती है घर की। अगर अष्टक वर्ग के पॉइंट्स अगर आपने जब आप कैलकुलेशंस करी अष्टक वर्ग की और आपके अष्टक वर्ग के पॉइंट, किन लोगों को अष्टक वर्ग का ज्ञान नहीं है, ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अष्टक वर्ग ज्ञान नहीं है तो मैं यहाँ पे कुंडली लगा लेता हूँ। सर मुझे नहीं है। हेतल जी ने बोला नहीं है। वर्तिका जी आपको तो पता है, यू डिड इट ऑलरेडी। सर मुझे भी नहीं है। सर मुझे भी नहीं। ओके ठीक है, देन विल पुट इट हियर। ओके एक मिनट, ओके मैं फिर यहाँ पे कुंडली लगा देता हूँ। जितना हमारे को एस्ट्रोलॉजी चाहिए इसके इस जर्नी में हम उतना एस्ट्रोलॉजी करेंगे, उतना जानेंगे हम। और एस्ट्रोलॉजी उसको नहीं आता, इट्स ओके, नॉट एन इश्यू। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग ए कुंडली हियर। एक मिनट दे मुझको। जब तक सॉफ्टवेयर ऑन होता है, 1, 5, 9 जो राशि है ईस्ट की, इसके अंदर जो अष्टक वर्ग के पॉइंट्स हैं उनका सम टोटल कर देंगे। तो 3 राशि है 1, 5, 9, तीनों में अष्टक वर्ग के पॉइंट्स आएंगे। तीनों में जो अष्टक वर्ग के पॉइंट आएंगे तो सम टोटल करेंगे और ईस्ट के सम टोटल हो गया। इसी तरह साउथ का होगा, नॉर्थ का और वेस्ट का करेंगे। विच एवर अष्टक वर्ग इज हाइएस्ट, इट इज द मोस्ट फेवरेबल डायरेक्शन ऑफ द होम फॉर दिस पर्सन। उसके लिए वो घर की डायरेक्शन जितना अच्छा, जितना बढ़िया होगा और जितना उसके अंदर गेट भी अगर वहां पे आता है तो उसकी व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। इस चीज को कैसे निकालेंगे, मैं एक कुंडली लगा रहा हूँ। एक मिनट आप यहाँ पे इंडिविजुअल कुंडली अभी के लिए हम, मेरी कुंडली आप लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। चलो आप ही की ले लेते हैं, सुमित जी आप ही की ले लेते हैं। सुमित जी ने बोली आपकी अपनी कुंडली। ये सबको चार्ट नजर आ रहा है? ये माय स्क्रीन इज शेयरिंग। यस सर। 1/1/1994 11:50। जगह कौन सी है सुमित जी? जगह मुजफ्फरपुर पोइस गांव है हमारा और डिस्ट्रिक्ट हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सिटी बागपत। अपने प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। सुमित जी का ये आ गया चार्ट, एस्ट्रोलॉजी चार्ट। इसमें हम अष्टक वर्ग खोल लेते हैं आसान तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अष्टक वर्ग आ गया। आई एम श्योर ये सबको दिख रहा होगा, विजिबल होगा डायरेक्टली। ये क्या ये विजिबल है? यस सर। ओके यस सर। एनलार्ज करो, थोड़ा बड़ा करो, छोड़ो इसको बंदी कर देते हैं इस वाले को। तो यहाँ पे देखो अष्टक वर्ग यहीं पे बना हुआ है। ये वाला कुंडली आप देखें, इसमें इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये अष्टक वर्ग के पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। हर राशि के ऊपर उसके अस्ट्रक्चर का पॉइंट लिखे हुए हैं, राइट, यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम अभी अष्टक वर्ग देख रहे हैं, जब हम क्लास में जाएंगे तो हम विनाष्टक वर्ग से देखेंगे, हर राशि को उसकी डायरेक्शन और उसके विनाष्टक वर्ग को हम चेक करेंगे। ये दिए हुए हैं, प्लीज कीप योर माइक ऑफ, राइट। हमारे को यहाँ पे मिला 159 इजिकल टू 27 + 35 + 30 इजिकल टू, प्लीज डू कैलकुलेशन, 2, 6, 10 इजिकल टू 2, 6, 10 इजिकल टू 36 + 33 + 2, 6, 10 = 24। प्लीज डू कैलकुलेशन। देन हमारे को मिला 3, 7, 11। कृपया बताएं ऊपर पॉइंट्स को कैलकुलेट करके, 3, 7, 11 23 + 37 + 23 इजिकल टू 4, 8, 12 25 + 19 + 25 इजिकल टू 159, 82, 92, 93। देन 93 सर, ये भी 93 नहीं, ये तो कम आएगा, ये तो कम आएगा, 69। ओके, दिस इज सर 159 है ना, वो 92 आता है सर। 159 कितना है? 92 है। 2, 6, 10 हाँ, 93। 2, 6, 10 ठीक है, 93। हाँ जी, 93। 3, 7, 11 93 होगा सर। 3, 7, 11 93। 4, 8, 12 नॉर्थ। बहुत ही बढ़िया टिपिकल एग्जांपल है ये। हम वास्तु जब हम करते हैं, नॉर्मल वास्तु हम बोलते हैं नॉर्थ के अंदर गेट बनाओ, नॉर्थ में बनाओ। क्या हुआ? 3, 7, 11 वाला जो है 83 आता है। 83 है। चलिए, इनकी डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट इज साउथ। और जब नॉर्मल वास्तु करते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे को जो है नॉर्थ के, साउथ के अंदर कुछ नहीं रखना, साउथ में हमारा गेट नहीं होना चाहिए, साउथ में हमारा ये भी नहीं होना चाहिए और वो भी नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ में हमारा सब कुछ होना चाहिए। इनका अगर आप देखेंगे सुमित जी का, इनका नॉर्थ इज द वीकेस्ट एज पर हिज कुंडली, नॉर्थ इज वीकेस्ट एज पर हिज कुंडली। अगर ये नॉर्थ फेसिंग इनका घर रखते हैं, नॉर्थ का ही गेट रखते हैं, तो इनको सबसे कम लाभ होगा बनस्पत। अगर ये साउथ का गेट रखते हैं और साउथ फेसिंग इनका घर रखते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ होगा। अभी अगर साउथ का इनका ये गेट है और साउथ के अंदर ये अगर S4 और S3 का गेट ले लेते हैं, दैट विल हेल्प हिम बेस्ट आउट ऑफ एनीथिंग एल्स। या ईस्ट के अंदर ये E4 या E3 का घर ले लेते हैं, ये दैट विल हेल्प हिम बेस्ट आउट ऑफ एनीथिंग। फॉलोड बाई, अगर ये वेस्ट के अंदर आते हैं तो वेस्ट इज नॉट दैट पावरफुल, वेस्ट बहुत अच्छा पावरफुल नहीं होगा, और वो भी अगर ये वाले गेट मिले तो, और नॉर्थ उससे भी लीस्ट होगा। नॉर्थ के अंदर वी विल, अगर ये ऐसा केस होगा तो वी विल रिकमेंड कि आप साउथ के अंदर गेट खोलें, और साउथ में अगर ये गेट नहीं खोल रहे तो द रिकमेंडेशन गोज कि साउथ में आप वर्चुअल एंट्री ओपनिंग करें, साउथ में आप वर्चुअल एंट्री ओपनिंग करें, S4, S3 पे करें, और ईस्ट के अंदर वर्चुअल एंट्री ओपनिंग करें, क्योंकि दिस टू आर द बेस्ट आउट ऑफ एनीथिंग फॉर हिम। इसी के साथ अगर आप देखेंगे, इसके आप इसी से आप साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट जो डायगोनल डायरेक्शन है वो भी निकाल सकते हैं, उसको भी हम निकालेंगे, आगे जाके निकालेंगे, बट अभी के लिए 4 मेन डायरेक्शंस पे काम किया, और इसके हम डायगोनल डायरेक्शंस के ऊपर भी काम कर सकते हैं इसके साथ। सुमित जी, अगर आपको वास्तु का ज्ञान है तो आपको मेरा सजेशन ये होगा कि आप साउथ में और ईस्ट में दोनों में वर्चुअल एंट्री ओपनिंग करें, दोनों जगह पे। और वेस्ट आपकी 3rd बेस्ट पोजिशन है, इसलिए आपको इतना ज्यादा वेस्ट से नहीं आएगा, क्योंकि वेस्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं दे रहा, ये क्लियर यहाँ पे आपको खुद को दे रहा है। दैट्स हाउ दी विनाशक। हेलो सर, जो हमारा घर का मेन गेट है वो पश्चिम की तरफ ही खुला है, क्योंकि वेस्ट में और नॉर्थ में, साउथ में और नॉर्थ में हमारे घर पड़ता है दूसरा, तो उधर गेट कैसे हो सकता है? तो उसका हम बताएंगे। अगर बाजू में दीवार है, दीवार के साथ साथ दीवार लगी है दूसरी की, देन आल्सो इट इज पॉसिबल टू ओपन दी वर्चुअल एंट्री। हम वो खोलते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट पाते हैं। वी विल डू इट। रेमेडियल पार्ट के अंदर इसको करेंगे कि हम कैसे खोल सकते हैं इसको। वी विल डू इट। ओके सर, राइट जी। हैंड रेस किया था किसी ने? किसी हैंड रेस किया था किसी ने? जी, तो ये इस तरीके से आप जो है एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का। रोनल जी बोले, आप क्या कह रहे हो? सर एक चीज नहीं समझ आई सर, ये जो कैलकुलेशन आप जो नंबर्स लिख लेते हैं वो कैसे लिखते हैं? चलो आप ही क्या चार्ट बोलो। मतलब बर्थ डेट तो बोलो, आपका डिटेल दो रोनल जी। है नहीं सर, सर सर डेट ऑफ बर्थ? हाँ 7/10/1983। 7/10/1983 और 11:59 AM। आगे और इंडिया, यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी, कानपुर। ऑल राइट, ये आपका चार्ट आ गया। ठीक है, आपका चार्ट आ गया। दोनों लगा ना आपका? जी, ये आपका D1 है। ठीक है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो चार्ट डिजाइन किया हुआ, इसके अंदर अष्टक वर्ग के ऑलरेडी पॉइंट आ रहे हैं। कैसे आएंगे ये हम डिटेलिंग में जाके सीख लेंगे बाद में, बट ये ऑलरेडी अष्टक वर्ग के पॉइंट आ रहे हैं। किस राशि को कितने पॉइंट मिले अष्टक वर्ग में, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, हमें पता है 1, 5, 9 इज इक्वल टू ईस्ट, 2, 6, 10 इज इक्वल टू साउथ, ये हमें पता है, 3, 7, 11 इज इक्वल टू वेस्ट, 4, 8, 12 इज इक्वल टू नॉर्थ। जिसको नहीं पता उसको भी हम क्लास में और डिटेलिंग में आ जाएगा। ये हमें पता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक वास्तु है। जब हम जनरल वास्तु से ऊपर बढ़ के हम जब काम करेंगे, ये बड़ा स्पेसिफिक है, हर की कुंडली के अनुसार है, स्पेसिफिक है जो, और ग्रह की प्लेसमेंट के हिसाब से भी हम एक्टिविटीज करेंगे इसमें। और ग्रह की प्लेसमेंट के हिसाब से हिट थ्योरी जो बनती है वो भी हम एक्टिविटीज यहाँ पे करेंगे। हिट थ्योरी केपी के माध्यम से एक्टिविटीज करेंगे एस्ट्रोवास्तु के अंदर हम। अब ईस्ट के अंदर आप देखेंगे 1, 5, 9 की राशियों में जो पॉइंट मिले हैं वो आपको मिले 26 + 26 + 30 + 27, ये आपको ईस्ट की राशियों में पॉइंट मिले हैं। साउथ की राशियों में जो आपको अष्टक वर्ग ने पॉइंट दिए वो 25 + 31 + 29 ये दिए हैं आपको। वेस्ट की राशियों ने जो आपको पॉइंट दिए हैं वो 28 + 34 + 26, और नॉर्थ ने आपको दिए हैं 28 + 30 + 23। ये दिख गए आपको? कैन यू सी दैट? हाँ सर, ये जो आप पॉइंट बता रहे हो, अच्छा ये जो 27, 23, 26 भी, अच्छा हाँ। और फिर ये 28 कहाँ? वेस्ट की डायरेक्शन 3, 7, 11, वेस्ट की डायरेक्शन 3, 7, 11 में देखो, ये 7, 11 ये 28, 3 ये 34 और 7 ये 26, तो 28, 34, 26। नॉर्थ की डायरेक्शन 4, 8, 12, 4, 8, 12, 12 में 28 है, 4 में 30 है और 8 में 23 है। ठीक है, तो इनका टोटल करेंगे हम, इनका एक बार टोटल करके बताएं आप क्विकली। 83, 83, 83, 85, 85, 85, 88, 88, 81, 81. Now, if you see, the highest points goes to west. अगर आप वेस्ट के अंदर फेसिंग हाउस लेते हैं या वेस्ट के अंदर एंट्री कर लगते हैं अपनी, दिस विल बी बेस्ट फॉर यू, फॉलोड बाय साउथ। Followed by east, and this is not recommended. North is not recommended. सिंपल, इजी। अब ये हमने किया डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू गेट। अभी हमने क्या अष्टांग वर्ग सीखा, अष्टांग वर्ग में जाएंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपने इसमें 4 मेन डायरेक्शन बताया, अब ये जो 8 डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वगैरह उनका क्या कॉम्बिनेशन है सर? वो भी यस, वो भी हम करेंगे, हम सब डायरेक्शंस के ऊपर भी करेंगे, हम इसी से सब डायरेक्शंस निकाल लेंगे इसी से। हाँ सर, वो कैसे निकालेंगे सर बाद में बताएंगे, वो भी आज थोड़ा सा हिंट। हाँ, वो भी हम क्लास में करेंगे, हम इसके साथ सब डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो और साथ में ये हमने क्या अष्टक वर्ग से, इसके विनाष्टक वर्ग के अंदर जाके देखेंगे एक एक ग्रह का विनाष्टक वर्ग और राशि पकड़ेंगे और उसको हम देखेंगे किस जगह पे कौन कौन सी इफेक्टिविटीज आ रही हैं, राइट। सर एक क्वेश्चन पूछ लें जी सर, यदि घर में 6-7 व्यक्ति रहते हैं तो उसमें हम किसकी राशि के अनुसार गेट का वो रखेंगे डायरेक्शन? बेस्ट टू ऑफ ईच, बेस्ट टॉप टू पकड़े सबका, और टॉप 2 पकड़ के कॉमन देखे कौन सी आ रही है, उन कॉमन को उठा ले टॉप 2। धन्यवाद सर, ओके सर, ओके। ये होता है कई बार कि अर्निंग मेंबर अलग है और ग्रहणी अलग है, तो उन दोनों का, ग्रहणी का अर्निंग मेंबर का टॉप 2 पकड़े, या मल्टीपल अर्निंग मेंबर्स उनके टॉप 2 पकड़े, टॉप 2 पकड़ के आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज पॉसिबल, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू रोनल जी, आपको क्लियर हुई होगा जी सर, थैंक यू सर, ठीक है जी, ओके। अष्टक वर्ग के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा पूछें, जिसको अष्टक वर्ग के बारे में ज्ञान नहीं है, हम पूरा ज्ञान अष्टक वर्ग का प्राप्त करेंगे ड्यूरिंग दी जर्नी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अष्टक वर्ग की थ्योरी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लो मेरी वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा पॉइंट है और वाइफ की साउथ डायरेक्शन में ज्यादा पॉइंट है, तो टॉप 2 उठाओ, टॉप 2 दोनों की टॉप 2, उसमें जो कॉमन आ रही है गो बाय दैट, ठीक है, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? अष्टक वर्ग पे किसी को कोई पूछना है? अभी तक के हमने आज 3 चैप्टर किए, 3 चैप्टर में किसी का कोई क्वेश्चन? हमने ग्रह आरंभ का कार्य किया मंथ से, हमने स्लोप का एक्टिविटीज किया 2nd, और हमने अष्टक वर्ग की एक्टिविटी की 3rd। ये एक्टिविटी की कुछ हमने एक्टिविटीज करी इसमें। इनसे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? सर यदि हम अष्टक वर्ग करेंगे, यदि उसकी जन्म की तिथि ना पता हो हमें और टाइम ना पता हो, तो उसको कुंडली कैसे निकाल सकते हैं फिर? ओके, किसी को कुंडली नहीं पता, ये बात हो गई, किसी कुंडली नहीं है देन, राइट जी सर, जी कुंडली नहीं है, तो कुंडली अगर किसी के नहीं है तो पशंग कुंडली लगा के हम गेट नहीं ओपन करेंगे, लेकिन पशंग कुंडली लगा के हम ये देख लेंगे कि उसका जो एक्टिविटीज कर रहे हैं क्या वो काम करेगी नहीं। पशंग कुंडली वास्तु के लिए पशंग कुंडली हम लगाएंगे, ठीक है। अब पशंग कुंडली हम इसमें लगाना सीखेंगे वास्तु के पर्सपेक्टिव से कि उसकी एक्टिविटीज कहाँ से हमें करनी चाहिए, बट वहां से हम गेट नहीं खोलेंगे, गेट हम चेक करके खोलेंगे, गेट की विधि अलग से करेंगे। ओके सर, किसी का अगर कुंडली है ही नहीं तो जी सर, राइट राइट। हेलो हेलो अभी जी, हाँ जी जी सर, ये एक बार आप दोबारा बताएंगे क्या मैडम? सर ये जो आपने बताया अभी अष्टा वर्ग के बारे में, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया ये कि आपने ये डिग्री वाइज। हाँ जी ठीक है। अष्टक वर्ग के अंदर आपको अष्टक वर्ग आता है? जी नहीं सर, मैंने तो पहली बार ही सुना है ये। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है? जी सर, थोड़ी बहुत लर्निंग में हूँ, सीख रहा हूँ अभी। ओके ठीक है। अष्टक वर्ग एक टूल है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, अपने आप में एक बड़ी पद्धति है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और अष्टक वर्ग की एक्टिविटी को अष्टक वर्ग में कैसे करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो हम सीखेंगे, वो हम करेंगे, ठीक है। वास्तु के पर्सपेक्टिव से करेंगे। डायरेक्शंस की, हर डायरेक्शन की अपनी साइंस होते हैं, मतलब डायरेक्शन, सॉरी, हर साइन का अपना डायरेक्शन होता है। जैसे 1-5-9 इज इक्वल टू ईस्ट, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों राशि का जो डायरेक्शनल आती है वो आती है ईस्ट में जी, राइट। तो इसी प्रकार 1-5-9, 2-6, 10, 3-7, 11 और 4-8, 12 की जो डायरेक्शनल साइंस हैं, इनके अपने जो जो जोन्स आएंगे, जो डायरेक्शंस आएंगी, उनके जो हमारे को पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट के अनुसार हम ये देखेंगे कि कौन सी हमारे को सबसे ज्यादा पावरफुल डायरेक्शन मिल रही है। वी विल गो बाय दैट। कैसे करेंगे इस चीज को हम, पूरी को एक्टिविटीज कैसे करेंगे हम, आगे जो अपनी कोर्स आएगा इसके अंदर पूरा सीखेंगे, पूरा समझेंगे। आपका अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता है तो आप बताएं, मैं आपका भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। जी 26 आपको पता है? 28 जून। जी नाम बताएं आपका। रमनजोत सिंह। बताएं। 28/6/1991। समय बोले 1:35 AM। जगह बोले अलवर, राजस्थान। मेष लगा ना आपका? जी जी सर। अभी मेष लगन के अंदर आप देखेंगे, मेष लगन है आपका, और यहाँ पे हमने बोला 1, 5, 9 यानी कि मेष, सिंह और धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख ली। ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ। आपको सिंपल ये एस्ट्रक वर्क के अंदर, यहाँ पे एस्ट्रक वर्क हमने बना रखा है, कैसे बनेगा ये भी हम करेंगे, बट यहाँ पे कि अभी के लिए हमने बना रखा है। आपके मेष राशि के अंदर एस्ट्रक वर्क को 28 पॉइंट मिले हैं, आपको वृषभ राशि में 37 पॉइंट मिले हैं, एंड सो ऑन। आपकी सारी राशियों में यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ लिखे हुए हैं अभी के लिए। तो अभी के लिए जब यहाँ पे लिखे हुए हैं तो हम यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं जिन जिन राशियों के, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 में 28 + 25 + 21, इसको आप ऐड करें। सर 38 है सर, 38 है। अच्छा ओके, थैंक यू। इसको आप ऐड करें। देन साउथ के अंदर आपको प्राप्त हुए 37 + 25 + 27। वेस्ट में आपको प्राप्त हुए 25 + 29 + 33, और नॉर्थ में आपको प्राप्त हुए 22 + 28 + 27। इसका आप सम टोटल निकाल लें। निकाला आपने? जी सर। 84, 84, 84, 89, 89, 89। आगे बोले। 87, 87। नेक्स्ट 77, 77। दिस इज योर मैक्सिमम। एक और चीज में ऐड करते हैं, चलो यहां पे अभी कर ही लेते हैं। ईस्ट इज, इनका एलिमेंट क्या है? ईस्ट की राशियों का एलिमेंट क्या है? अग्नि। हाँ अग्नि, अर्थ, एयर, वाटर। जिसके अंदर जो एलिमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है वो प्रोमिनेंट होगा। दिस इज द टॉप एलिमेंट। ये आपके अंदर एयर एंड फायर एलिमेंट प्रोमिनेंट है। आपके मकान के अंदर एयर एंड फायर एलिमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एयर एंड फायर एलिमेंट, एयर एंड अर्थ एलिमेंट, नॉट फायर सॉरी, एयर एंड अर्थ एलिमेंट आपका प्रोमिनेंट आ रहा है, ये एलिमेंट अगर आपके मकान में अच्छे होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। जितना अच्छा आप इन दोनों एलिमेंट्स को रखेंगे अपने मकान में, वास्तु के पर्सपेक्टिव से उतना आपको फल ज्यादा मिलेगा। और इन दोनों डायरेक्शंस में आपका मकान फेसिंग होगा या गेट होगा, तो ये आपको हेल्प करेंगे लाइफ में, जीवन में धन समृद्धि देने में, ऑल ओवर सक्सेस अबंडेंस देने में आपको सहायता करेंगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके मकान के लिए। जी जी सर ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। साउथ फेसिंग हाउस में मैं रह रहा हूँ और एक्चुअली शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ, तो मैं जो भी देखने के लिए जाता हूँ या तो वो साउथ होता है या वेस्ट होता है। बस मिल गया आंसर आपको? जी जी सर, राइट। अष्टावक्र इज अ पावरफुल टेक्निक दैट वे। चलिए, तो ये अष्टावक्र की टेक्निक थी। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ फॉर टुडे। ओके, अब इसके अलावा आपका कोई किसी का कोई प्रश्न अष्टावक्र से रिलेटेड तो बताएं, एंड देन वी मूव टू दी टुडेज जो हमारा कैरिकुलम होगा पूरा आने वाले जर्नी का, उसके ऊपर चलते हैं हम। दिपेश जी बताएं। सर मैंने आज तक ना एस्ट्रो सीखा है ना ही वास्तु के बारे में मालूम है, तो आप जो बोल रहे हैं ना अभी तो सिर्फ ऊपर से ही जा रहा है, लेकिन क्या ये सीख सकते हैं हम? बिल्कुल सीख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वास्तु नहीं आता, इट्स ओके। एस्ट्रो वास्तु अगर आप सीखते हैं तो आपको काफी सारी चीजों का ज्ञान इसी से ही हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी जर्नी को दोबारा आगे बढ़ा सकते हैं। बट दैट्स हेल्प्स अ लॉट टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। जी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता पहले से, इट्स ऑल राइट। 2 महीने की हमारी ये जर्नी रहेगी जी। जिसके अंदर हम ग्रिडिंग मैपिंग अंडरस्टैंड करेंगे, मंदिर वास्तु करेंगे, कलश वास्तु करेंगे, जिसमें जोडिक साइंस डायरेक्शंस पे काम करेंगे। प्लीज ऑफ करें माइक अपना। पैंतालीस देवताओं के मंत्र करेंगे, 45 देवताओं के नक्षत्र और दशास में वो कैसे एक्टिवेट होते हैं वो करेंगे, ठीक है। वास्तु विद एस्ट्रोलॉजी हिट थ्योरी करेंगे, प्लैनेट राशि के कॉम्बिनेशंस के साथ वास्तु करेंगे, मेडिकल वास्तु करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा मेडिकल वास्तु। मेडिकल आपके घर के अनुसार आपके जो मेडिकल इश्यूज हैं उसको कैसे टैकल कर सकते हैं आप, वात पित्त कफ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को हम करेंगे। फॉर्चून पॉइंट पे वर्किंग करेंगे। न्यूमोलॉजी के अनुसार भी वास्तु इसमें हम करेंगे। न्यूमोलॉजी से हम आपकी आप अपने घर की वास्तु को कैशन कैसे कर सकते हैं और उसके उपाय कैसे कर सकते हैं। विधि शूल, ILUE, शेप बिल्डिंग, स्लोप का कुछ एक्टिविटीज आपने किया, कुछ आगे करेंगे। कॉर्नर्स, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, टी शेप, पंचांग, मुहूर्त, वास्तु डिफेक्ट्स के ऊपर, पैरा वास्तु, पैरामिड्स के ऊपर काम करेंगे। और स्कैनर इसकी पे काम करेंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस कुंडली से कैसे चेक करते हैं, कुंडली के माध्यम से जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे चेक करोगे। जमीन की भूमि का सिलेक्शन या ट्रीटमेंट। काकनी विचार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, काकनी विचार के रिलेटेड वास्तु। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, आपकी आय व्यय सब इसमें एक्टिविटीज आती हैं। कौन सा नगर आपके लिए अच्छा है, कौन सा भूमि आपके लिए अच्छा है, कौन सा भूमि का साइज आपके लिए अच्छा है, कौन सी जगह आपके लिए अच्छी है और कौन सा आपके लिए व्यय के कारक बनते हैं, वो सब चीजें इसमें आती हैं। 3D वास्तु की एक्टिविटीज, धातु रतन रेमेडीज, पिरामिड वास्तु उसकी रेमेडीज, कलर वास्तु, यंत्र रेमेडीज, जितनी रेमेडीज होती है वास्तु की वो सारी वास्तु की रेमेडीज भी हम इसमें कवर करेंगे। ये सैटरडे संडे रहेगा शाम को 4 बजे। 2 महीने का कोर्स आएगा, जूम लाइव रहेगा ये, और इसके अंदर रिकॉर्डिंग्स रहेंगी आपके पास, डाउट क्लियरिंग रहेगा, प्रैक्टिकल सेशन, सारे प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। आपकी अपनी केस स्टडीज होंगी, आप ही के अपने चार्ट होंगे, आप ही की एक्टिविटीज होंगी। इसके अंदर रिपीट फ्री रहता है हमारा कोर्स का, रिपीट हमेशा फ्री होता है। जो ऑलरेडी आप अकेडमी से कनेक्टेड उनको पता है, रिपीट ऑलवेज गिव फ्री टू बाय द अकेडमी। और गुरुजी ज्ञान का ट्रस्ट रजिस्टर सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। इसकी जो फीस है दैट इज 42 4214 है एंड जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे उनके लिए 25% डिस्काउंट है। उल्टा लिख दिया। हाँ उल्टा लिख दिया। आई थिंक सम कैलकुलेशन एरर हियर सीम्स टू बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब न्यू को एग्जिस्टिंग कर दो, एग्जिस्टिंग को न्यू कर दो, ठीक हो जाएगा। अच्छा 4214 20, so this comes to 3158। I think ये 25 होगा and this is 35 and this comes to 2685। This is the fee structure for 2 months journey, right? 2 मंथ की जर्नी का फी स्ट्रक्चर आएगा। 2 मंथ्स जर्नी। शादी में भी क्या प्यार होगा एंड इस नंबर्स के ऊपर आप अपनी पेमेंट्स दे सकते हैं। दिस इज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नंबर्स को यूज कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इन नंबर्स के ऊपर कनेक्ट करके डिटेल मालूम कर सकते हैं। ये पूरी जर्नी का डिटेल यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा इस पे। Any questions with respect to this? Otherwise, we will move to the next topic of today. जी, any questions with respect to this? ये कैरिकुलम रहेगा। इस कैरिकुलम में काफी सारे टॉपिक ये बहुत शॉर्ट में लिखे गए हैं बट ये बहुत विस्तार में है। मंदिर वास्तु इज वेरी गुड टॉपिक। मंदिर वास्तु जो हम करेंगे, मंदिर में कलश क्यों रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, उसका हमारे भवन के साथ कैसे कनेक्टेड है और उसका हम अपने भवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर वास्तु और कलश वास्तु में ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। देवताओं को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, देवताओं को की एक्टिविटी इन मंत्रों से कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, देवताओं को नक्षत्रों के साथ कनेक्ट करना और नक्षत्रों की दशाओं के साथ कनेक्ट करना, ये बहुत पावरफुल टॉपिक होता है। कि ये एस्ट्रो वास्तु का टॉपिक है। 45 देवता है, उन 45 देवताओं के 27 नक्षत्रों में डिवाइड होते हैं और वो उनकी दशाओं में प्लैनेट के साथ डिवाइड होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हिट थ्योरी, एस्ट्रोलॉ आपके प्लेनेट कौन कौन सी डायरेक्शन में है और आपका सामान किस डायरेक्शन से है, उसको कैसे मूव कर सकते हैं हिट थ्योरी के माध्यम से, ताकि आपको जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं वो रिमूव किए जा सके हिट थ्योरी से। जी शुक्रिया जी बोले। सर अगर हमें वास्तु चेक करना हो तो किसका, मतलब घर में किसके हॉरोस्कोप से चेक कर सकते हैं, मतलब हॉरोस्कोप से कर सकते हैं? तो मैं अपने हस्बैंड के उससे देखूंगी या मैं अपने हॉरोस्कोप से चेक करूंगी? दोनों इंपॉर्टेंट है। जो घर का अर्निंग मेंबर है और जो घर की गृहिणी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों के माध्यम से चेक होगा, दोनों के माध्यम से चेक होगा। ओके सर। जस्ट मनीष सर, जस्ट एक क्वेश्चन है कि सर ये जो सर विनाशक वर्ग है जो प्लैनेट्स का, वहाँ पर सर मैक्सिमम पॉइंट कितना अलॉट किया गया है सर एक एक प्लैनेट के लिए सर? जय मित्रा जी, इसको विनाशक वर्ग को डिटेल में करेंगे जब हम जर्नी में काम करेंगे। सर क्लासेस कितनी होंगी? ओके सर, वीकली मंथली? ओके, तो टोटल हमारी 2 महीने के अंदर करीब 16 क्लासेस से ऊपर क्लासेस होंगे। 16 तो मिनिमम है, नॉर्मली हमारा 18-20 क्लासेस हो जाती हैं, तो 18 to 20 क्लासेस इसके अंदर होंगी। डे कौन से दिनों की होगी? सैटरडे संडे शाम को 4 बजे, सैटरडे संडे शाम को 4 बजे हम करेंगे इसको, ठीक है? एंड 18+ लाइव क्लासेस लिखा ऑलरेडी यहाँ पे, 18+ लाइव क्लासेस रहेंगी। ये डिपेंड करता है, मतलब वी विल नॉट क्लोज, अगर नंबर पूरे हो गए तो, अगर सब्जेक्ट पूरा होगा तब क्लास क्लोज होती है। सब्जेक्ट से क्लोजिंग होती है, नंबर से क्लोजिंग नहीं होती क्लास की, राइट? और ये इसका कोर्स का फीस डिटेल रहेगा। जी भावना जी बोलें, भावना जी बोलें। सर ये जो अष्टवर्गी, हाँ सर अष्टवर्गी जो आप बता रहे हैं, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं ऑडिबल? ओके यस यस यू आर ऑडिबल, बताएं बताएं। सर मुझे डायरेक्शन और डिग्री ये कुछ पता नहीं है, तो आई कैन ज्वाइन? इसके पहला टॉपिक ही ग्रिडिंग मैपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है। ओके ओके ओके, आई थिंक आई मिस दैट पार्ट। ओके सर ओके, इसका पहला टॉपिक यही है। हाँ सर एक और डाउट था जी। सर लाल किताब और ये दोनों अगर साथ में करना है, will it be a confusion? No confusion at all. Both are different at all. Yes, you can do very much. Because I am a beginner, दोनों साथ में चले गए। कोरे कागज पे लिखना आसान होता है। Okay sir, ठीक। Thank you sir. थैंक यू जी, थैंक यू जी जी। किसी का और कोई प्रश्न, किसी का कोई भी फीडबैक प्रश्न? आज हमने 3 एक्टिविटी करी है। आई थिंक 3 एक्टिविटी में आपको बिनास्टक जो अष्टक वर्ग की एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा आसान ब्यूटीफुल लगती है लोगों को जनरली, बट बिलीव मी घर का निर्माण करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने पर्सनली देखा है, लोग एक किसी ने भी सुमित जी ने शेयर भी किया था, शायद एक किसी ने शेयर किया था, उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया और उनका कार्य में विघ्न आया। ये वास्तु शास्त्री को या वास्तु कंसल्टेंट को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रह का निर्माण कार्य या ग्रह के अंदर कोई भी रिनोवेशन एक्टिविटी जहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल यूज होता है और ये बिना चेक करे इस एक्टिविटी को करना कई बार बहुत नुकसान होता है। तो चलत वास्तु नित्य वास्तु पे आमतौर पे लोग काम नहीं करते। चलत वास्तु नित्य वास्तु इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द वास्तु, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। सर हमने भी जुलाई में शुरू किया था अपना मकान बनाना, तो हमें भी दिक्कत आई थी बनाने में। मैं बोल रहा हूँ नित्य वास्तु चलत वास्तु पे लोग काम नहीं करते रविंदर जी, और ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप अपना डेट तरीके से निकाल सकते हैं, आप किसी को गाइड कर सकते हैं। मैंने तो पंडित जी से ही पूछा था। सर अगर मकान बेचना है तो क्या उसकी भी डेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल एक्टिविटी कर सकते हैं मकान बेचने के लिए। और मकान बेचने के लिए उपाय क्या करना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं वंदना जी। थैंक यू सर, जरूरत थी, बिल्कुल करेंगे इसको भी हम। यस सर, ये सिर्फ अपने घर का है या फिर कोई फ्लैट बनाते हैं? एनीथिंग, ओके ओके। जहाँ पे भी बिल्डिंग मटेरियल की वस्तु यूज होगी वहाँ पे ये यूज होगा। ओके सर। और लक्कड़ इसके अंदर नहीं आता, लक्कड़ की एक्टिविटी वर्तिका जी माइक ऑफ करें प्लीज। लक्कड़ की एक्टिविटी इसके अंदर निषेध है, लक्कड़ की एक्टिविटी को हम एक्टिविटी इसमें नहीं लेते। लक्कड़ मकान बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग मटेरियल की एक्टिविटी लेंगे, ठीक है राइट। इसके अलावा कुछ और चीजें जो हम इसमें देखेंगे जो मैंने कवरेज में नहीं दिया, जो काकनी का विचार लोगों को शायद कई लोगों को समझ में आता, कई लोगों को नहीं आता। कई प्रकार की आय की कैलकुलेशन होती है, कौन सी आय हमारे लिए अच्छी होगी, कौन सी आयु हमारे लिए अच्छी होगी, इसमें कौन सी आमशा हमारे लिए अच्छी होगी, उसके ऊपर विचार करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आय के लिए, वार के लिए, अंश के लिए, द्रव्य के लिए, ऋण के लिए, नक्षत्र, तिथि, योग, आयु, इन सबका हम निकालेंगे। क्षेत्रफल जितना हमारा जो एरिया है उससे कैलकुलेशन से निकालेंगे कि कौन कौन से सूत्र इसमें लगते हैं और कौन से हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये टॉपिक इजी है लेकिन ये उतना ही इग्नोर टॉपिक है ये, राइट। पेड़ पौधे आजकल बहुत वो चल रहा है, एक प्रकार से एक मतलब एक पेड़ पौधे घर में लगाना रखना, इनका बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। तो पेड़ पौधे के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से वृक्ष या पेड़ या पौधे ऐसे हैं जो घर में रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए और किस डायरेक्शंस के अंदर उनको लगाना या रखना चाहिए, वो भी एक्टिविटी हमारे इस चैप्टर के अंदर आएगी, क्योंकि सारी चीजें एडवांस वास्तु का पार्ट है और हम एडवांस वास्तु और एस्ट्रो वास्तु दोनों मिला के इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। वो सब आएगा इसके अंदर। नक्षत्र हमारे कौन कौन से चक्रों से कनेक्टेड करते हैं, कौन सा नक्षत्र हमारा कौन कौन सा चक्र को रिप्रेजेंट करता है, इस एक्टिविटी को भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अनिल और दिति को लेता हूं, दिति और अनिल दो हमारे देवता हैं, ये दोनों देवता हमारे सोलर प्लेक्सिस को कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार सूर्य और असुर के दो देवता हैं हमारे, ये दोनों देवता हमारे हार्ट चक्रों को कनेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से देवता फील्ड कौन कौन से चक्रों को कनेक्ट करते हैं, इसको भी हम कनेक्ट करेंगे। और कौन कौन से देवता कौन कौन से प्लैनेट्स को कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जयंत और ब्रह्मा जो है, जो दो हमारी देवता फील्ड्स हैं, दोनों गुरु की देवता फील्ड्स हैं, गुरु प्लैनेट को कनेक्ट करती हैं। या भृंगराज, वरुण, दिति या आपवस्था, ये जो 4 देवता फील्ड है ये केतु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब केतु को ये चार रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे केतु से क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसके किस नक्षत्र में हमें क्या इफेक्ट आएगा, इस चीज को भी हम यहाँ से रिलेट करेंगे। ठीक है, ये बहुत जो मैंने आपको टॉपिक दिखाया ना वो बहुत ही ब्रॉड व्यूज हैं, लेकिन हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। अगर जुपिटर ग्रह को हम देखेंगे, जुपिटर ग्रह के साथ ऐसा जुपिटर ग्रह वाला घर ऐसा होगा जिसके अंदर एयर, हवा का आने जाने का बहुत अच्छा प्रबंध होगा, यानी कि वो घर एयरी घर होगा, उसके अंदर हवा की घुटन महसूस नहीं होगी, हवा की चाल होती है बहुत अच्छी होगी इसमें। दैट इज अ गुड जुपिटर हाउस, दैट इंडिकेट्स जुपिटर इज वेरी गुड इन दिस हाउस। और यहाँ पे रहने वाले लोग धर्म कर्म की एक्टिविटीज के अंदर लगे पाए जाएंगे, धार्मिक विचार वाले होंगे और सद्बुद्धि या धर्म से कनेक्टेड चीजों को प्राथमिकता देते होंगे। इसी प्रकार अगर जिनके नेबर्स कैसे हैं, ये बुध को दर्शाएगा, नेबर कैसे हैं, तो बुध से हम जैसा नेबर होगा वैसा हम देखेंगे घर के लोगों का बुध कैसा है। अगर नेबर की कंडीशन, नेबर के आसपास की चीजें ये दर्शाएंगी कि उस घर में रहने वाले लोगों का बुध कैसा है और उस पर बुध की ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए, फिर हम उसको रिलेट करेंगे, बुध की ट्रीटमेंट हमें वहां पे कैसे करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस केस में, तो वहां से हम इसको रिलेट करेंगे। सर मैं पूछ रहा हूँ, ओरा चेकिंग करने के लिए मशीन आती है, वो भी आप प्रोवाइड कराएंगे क्या? जी बिल्कुल, आप प्रोवाइड करते हैं, कोर्स का पार्ट नहीं है, मशीन आप ले सकते हैं अलग से। कितने की मिल जाएगी सर? वो आप एकेडमी में चेक कर लीजिएगा, एकेडमी आपको बता देगी कि मशीन की कॉस्टिंग क्या है, दैट एकेडमी विल टेल यू। तो सर उसकी एकेडमी के लिए लिंक वगैरह कोई यूट्यूब पे, गूगल पे? ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे स्लाइड लगा रहा हूँ, दैट स्लाइड, इस स्लाइड की आप पिक्चर ले सकते हैं और इन नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, इनकी आप पिक्चर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी आप। ये जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हैं, इन किसी भी नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, यहाँ पे इन 2 नंबरों पे भी आप कर सकते हैं या पेमेंट वाले नंबर पे भी आप कर सकते हैं। सर हम आपको दिल्ली कैंट में मिल सकते हैं आगे? बिल्कुल, यू आर वेलकम। जी सर, थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं? मैं बागपत में रहता हूँ, दिल्ली के से 50 किलोमीटर दूर। ग्रेट, यू आर वेलकम। जी सर, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर। सर आपका हमारे ऐसे ही हुए फिर तो बिल्कुल। जी सर हम आपसे मिलना चाहेंगे। यू आर वेलकम, थैंक यू सर। ठीक है जी, तो ये टॉपिक्स जो हमने बताया आपको, ये बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं, आपको बहुत ही बुलेट पॉइंट्स के अंदर दिखाए हैं, और इससे संबंधित किसी को और कोई जानकारी चाहिए तो आप बताएं, और नहीं तो मैं एक टॉपिक और करवा देता हूँ, भी समय है हमारे पास, एक टॉपिक और। राइट, तो यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, स्नान के विषय पे। स्नान, कई बार इंसान स्नान कैसे करता है, मतलब कई बार आजकल जैसे स्नान का तो लोग दोपहर को 9 बजे 10 बजे तो सो के उठते हैं, उसके बाद आराम से 2 बजे 3 बजे 4 बजे स्नान करते हैं। तो स्नान के विषय में शास्त्रों ने क्या बोला है, धर्मशास्त्र में स्नान के ऊपर 4 चीजें दी गई हैं, मुनि स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान। मुनि स्नान को बोला जाता है, अगर व्यक्ति 4 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में स्नान करता है तो उसको बोला गया मुनि स्नान। धर्मशास्त्र कहते हैं कि सुबह के समय में किया गया स्नान मुनि स्नान कहलाता है, और 5 से 6 बजे के बीच में किया गया स्नान देव स्नान कहलाता है, देव स्नान कहलाता है। 6 से 8 बजे के बीच में, सुबह के 6 से 8 बजे के बीच में किया गया स्नान मानव स्नान कहलाता है। ये जो 3 स्नान के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुनि स्नान, देव स्नान और मानव स्नान। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में पहले 4 घंटे के अंदर ये एक्टिविटीज दी गई हैं। इसके बाद इंसान सुबह के 8 बजे के बाद जब भी स्नान करता है वो राक्षस स्नान की उसको संगत दी गई है। तो स्नान का कार्य हमेशा सुबह के ही अच्छा बताया गया है, और वास्तु के पर्सपेक्टिव से घर के बाथरूम में आपके अगर 1 बाल्टी पानी अगर आप भरी रखते हैं तो धन के लिए लाभप्रद रहता है, और इस पानी की बाल्टी को आप रोजाना स्नान के बाद फिर से भर के रख देते हैं तो धन के लिए ये लाभप्रद रहती है। 1 बाल्टी पानी कम से कम आप भर के रखें टैप के नीचे, इट्स ऑलवेज गुड फॉर योर ग्रोथ इन योर मेटलिस्टिक। ये वॉशरूम में भर के रखें पानी? बाथरूम में, मतलब स्नान गृह में, स्नान कक्ष में। तो सर उसको कब पानी को वापस निकालना है? रोटेट करते रहे हर दिन, रोटेट करते रहे उसको, पानी को। जब हम सुबह नहाएंगे तभी उसको। अटैच बाथरूम होते हैं, जितने रूम उतने बाथरूम होते हैं, तो सब बाथरूम्स में सर एक पर्टिकुलर बाथरूम को जिसको सबसे ज्यादा स्नान के लिए यूज किया था उसके अंदर यूज करेंगे तो अच्छा होगा। ओके, इसके अंदर एक एक्टिविटी जो एड ऑन इसमें इसके आपकी लिस्टिंग में नहीं आई है, वो आई है, वो थी स्वर। यानी कि आपकी सांस के माध्यम से हम ये भी कनेक्ट करेंगे, सांस से आपकी एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर और स्पेस, ये कैसे कनेक्ट कर रही है? सांस के माध्यम से आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी किस तरीके से सांस ले रही है, किस तरीके से सांस छोड़ रही है, उससे वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट कैसे कनेक्ट कर रहा है, और उस नाड़ी से वास्तु कैसे करना चाहिए, वास्तु कैसे कैसे कनेक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इड़ा, पिंगला और सुषमा नाड़ी, ये तीन नाड़ी जो होती है, इड़ा, पिंगला, सुषमा नाड़ी, इन तीन नाड़ी का फ्लो आपके वास्तु को इफेक्ट करता है। आप जब वास्तु खुद के लिए कर रहे हैं या वास्तु किसी और के लिए कर रहे हैं, इन तीनों की गतियों पे इसका इफेक्ट आता है। तो इसको भी हम इस पे विचार करेंगे अपने इस जर्नी के अंदर। काफी सारे टॉपिक्स हैं, जो कुछ टॉपिक्स मैंने ब्रॉड में लिखे हैं, देखिए डिटेलिंग में से बहुत टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे इस जर्नी में। जी, और पहले वाले वास्तु के अंदर जो लास्ट टाइम हमने वास्तु किया था उसमें भी कुछ टॉपिक हमने इसमें ज्यादा है इससे। सो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम वास्तु किया था, ये एस्ट्रो वास्तु या एडवांस वास्तु वाला सब्जेक्ट, उससे टॉपिक इसमें ज्यादा है। सर सब जैसे कि सब जगह ये एस्ट्रो वास्तु है, बाद में एडवांस वास्तु जी आप बोल रहे हैं, बाद में ऐसा रहता है कि प्रोफेशनल वास्तु भी आता है या सिर्फ एडवांस में सब आ जाएगा? देखो दो चीज अपनी जगह पे है, एक होता है नॉर्मल वास्तु, बेसिक वास्तु, प्रोफेशनल वास्तु कह लो, जो भी आपको रेमेडियल वास्तु कहना, वो एक वास्तु है। दैट वास्तु कवर्स अबाउट दी डायरेक्शंस। और जब हम एस्ट्रो वास्तु या एडवांस वास्तु की बात करते हैं तो ये वास्तु आपकी अपनी पर्टिकुलर कुंडली से कनेक्ट करके फिर बात करता है। तो ये वास्तु स्पेसिफिक वास्तु हो जाता है आपके लिए, आपके घर के लिए, जो आपकी कुंडली पे निर्धारित होगा। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। सर ये कंप्लीट कोर्स हो गया, फिर इसका भी एडवांस कोई है? एस्ट्रो वास्तु के बाद एडवांस वास्तु कोई नहीं है, दैट्स इट। थैंक यू। ठीक है, राइट। तो हमने काफी चर्चा कर ली है, किसी का कोई प्रश्न है तो दे सकता है, या किसी का कोई फीडबैक है तो बता सकता है, और जिन्होंने पहले वास्तु किया है तो वो बता सकते हैं। जी अनिता जी, आप बोले। सर आप ये सिखाएंगे जैसे एस्ट्रो वास्तु कुंडली पे लगाते हैं हम, कि किसी को प्रोफेशन देखना है तो उस डायरेक्शन में जाके फिर वो चीजों को सेट करते हैं, या उसके हिसाब से वो लेंगे इसमें डायरेक्शंस, कौन सी डायरेक्शन सूटेबल होती है किसके लिए? यस, इसमें काम करेंगे कुंडली के अकॉर्डिंग। यस, कुंडली के अकॉर्डिंग किसके लिए कौन सी डायरेक्शन सूटेबल है, इस पे हम काम करेंगे। और ये आप बिनास्टक वर्क से देख लोगे अनिता जी, आपको तो आता है एस्ट्रक वर्क, बिनास्टक से देख लोगे आप? हाँ हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी केपी काफी कुछ सीखा हुआ है सब। और ये बिनास्टक वर्क में आप देख लोगे, बहुत जल्दी देख लोगे बिनास्टक वर्क से कि कौन सी डायरेक्शन में इंसान को क्या काम करना चाहिए। हाँ, वो डायरेक्शन समझ में आ गई। जी जी, बिनास्टक पे जाके करेंगे इस पे हम करेंगे काम। ठीक है, गुड इवनिंग सर। जी नरेंद्र जी। हाँ सर, ये जो हम करेंगे केपी बेस्ड होगा या एस्ट्रो वास्तु? केपी का जो पार्ट में वास्तु हमें चाहिए वो हम करेंगे, बट खाली सिर्फ और सिर्फ केपी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। केपी के अलावा इससे मुहूर्त शास्त्र भी आ जाता है, जितने मैंने टॉपिक्स बताए सारे आते हैं। केपी ए वन ऑफ द पार्ट। नहीं एक्चुअली वो सुना हुआ है कि एस्ट्रो वास्तु से केपी से हिट थ्योरी भी होती है उससे। हाँ हाँ, क्योंकि वो लघुनंदी नाड़ी से भी करते हैं ना, इसलिए। भिघुनंदी नाड़ी वास्तु अलग है, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ द जर्नी, वो भिघुनंदी सब्जेक्ट का पार्ट है, वो भिघुनंदी के अंदर हमने किया, वहां पे वो हैगा। हाँ, लाल किताब वास्तु भी कराते ना आप, मकान कुंडली वाला? जी वो अलग, मतलब तीन तरह के टॉपिक्स एस्ट्रो वास्तु ऐसा है ना, बट हम केपी एस्ट्रो वास्तु पूरा करेंगे, एस्ट्रो वास्तु हम पूरा करेंगे, उसको नहीं, उस पर कुछ नहीं छोड़ेगा। लाल किताब और बेगुनंदी ये लाल किताब के साथ कनेक्टेड आएंगे और वो लाल किताब में है, लाल किताब का जो संपूर्ण लाल किताब का कोर्स चल रहा है उसके अंदर आएंगे। बट एस्ट्रोवास्तु का पार्ट पूरा हम करेंगे, यहाँ पे पूरा करेंगे एस्ट्रोवास्तु में। जी जी, नहीं आई जस्ट वांट टू नो कि क्योंकि तीन तरह की मोस्टली प्रचलित है चीजें, एस्ट्रोवास्तु लोग इससे भी करते हैं उससे भी करते हैं, ऐसा देखा है। एक्चुअली वो एस्ट्रोवास्तु नहीं है, लाल किताब वास्तु को एस्ट्रोवास्तु बोलना इज नॉट राइट, क्योंकि लाल किताब वास्तु बहुत ही प्रिसाइज वास्तु है, दैट्स नॉट एस्ट्रोवास्तु। एस्ट्रोवास्तु के अंदर बाकी सारी चीजें आती हैं जिसमें आपकी कुंडली से आपकी आपके घर के विषय में, आपके मुहूर्त के विषय में, आपकी जमीन के विषय में, इन सब चीजों के विषय में ज्ञात करेंगे और उस पर उपाय करेंगे, वो एस्ट्रोवास्तु से कनेक्ट करेगा। हिट थ्योरी, केपी, वो सब आता है, अष्टक वर्गा वो एस्ट्रोवास्तु है, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। लाल किताब इसे बहुत ही प्रिसाइज है, लाल किताब से कनेक्टेड है। अच्छा जी अनीता जी, अनीता जी बताएं। सर जी हिट थ्योरी आप कैलकुलेट बताएंगे करना, मतलब सब इसमें कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल कैलकुलेशन करेंगे हम। और मुहूर्त में आप करण, योग और तिथि ये सबको लेके करेंगे कि यस 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 ये सारी लेंगे, करण योग तिथि मुहूर्त निकलेगा उससे। हाँ जी, नक्षत्र और ये सब लेके करेंगे। जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी से कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे नहीं आती, तो मैं सीख पाऊंगी सर? जितना हमें इसमें चाहिए उतना हम आपको बताएंगे, उतना आप सीख जाओगे। ओके सर, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जिसको नहीं आती है इट्स ऑल राइट, वो ज्यादा बेटर है, ठीक, उसको सिखाना आसान पड़ेगा। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी सीख लिया वो भी सीख लिया, अब खरे कैसे अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब वो ग्रिड बनाना है, मैप बनाना है, वही नहीं आ रहा। अभी कहीं और भी सीखा था तो वो ग्रिड और उसके लिए क्या ऐप होता है, ये होता है, ये सब पे फिर हो जाती है दिक्कत कि उसको कैसे नक्शा होना चाहिए आपका घर का, वो कैसे तैयार करें। करेंगे, बताएंगे, उसमें बात करेंगे। बहुत ईजी है, जिन्होंने अभी अभी रेमेडी की वास्तु किया उन्होंने किया, बहुत इजी है। हाँ, मैंने भी कहीं से किया हुआ था पहले, एस्ट्रो पॉइंट वाले राजीव मुद्गल जी हैं, उनसे सीखा था। वो सारी चीजें सिखाते हैं ना, केपी, बीएनएन सब, तो उनसे अभी किया था 2 महीने पहले कोर्स, बट फिर भी नहीं हुआ क्लियर। अभी हमारे जिन लोगों ने हम अभी किया, मेरा बीएनएन पे है, बीएनएन मुझे चाहिए, मतलब बीएनएन प्रोग्रेशन बहुत सारी चीजें हैं। बीएनएन के विषय में मैं एक बात बताता हूँ, हमारे पास जो अभी रविंदर जी है बीएनएन कर रहे हैं, रविंदर जी से, रविंदर जी बताएं अपने आप जी बीएनएन के विषय में। रविंदर जी, हाँ एडवांस चल रहा है, उसमें हम 52 चार्ट कर चुके हैं, 52 से ज्यादा ही कर चुके हैं, 59 कर चुके हैं। और अनीता जी चार्ट के ऊपर वर्किंग, राजी राव साहब जी के चार्ट के ऊपर लाइव चार्ट में वर्किंग नहीं करवाता कोई, हमने 59 चार्ट कर चुके हैं और 80 तक चार्ट हम टच करेंगे। सर इतना सीख, जगह जगह सीख चुके हैं ना, इतना पैसा लगा चुके हैं, कुछ समझ नहीं आता। मतलब राजीव अरोरा सर से सीखा, फिर राजीव मुद्गल जी से सीखा, अभी एक क्लब वाले हेमराज जी को लग रहे हैं कि उनसे सीखो, किससे सीखो, तो वो थोड़ा कंफ्यूज आता है। मतलब प्रिडिक्शन सीखते टाइम सब समझ में आता है, जब हम एक ब्लैंक अपना चार्ट किसी का लेके बैठते हैं तो वहां पे दिक्कत आती है कि हम उसको कैसे, क्योंकि लाइव चार्ट में वर्किंग नहीं होती, तो ये दिक्कत आती है। और हम लाइव चार्ट में वर्किंग कर रहे हैं, हमारी वर्किंग ही लाइव चार्ट पे है, ठीक है। बीटीआर भी आ जाता है उसी में बीच में, तो बीटीआर भी लगा लो, ये भी लगा लो, ठीक है। चलिए आपसे जुड़ते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचे। और केपी का पार्ट है, बीटीआर तो केपी के बिना नहीं होता। नहीं, बीटीआर ना केपी से भी कराते हैं, और वैदिक में भी होता है। हमने स्टार्टिंग तो वैदिक से क्या हुआ, वैदिक सब सीखा, हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर पवन सिन्हा जी, उनके यहाँ से सीखा बहुत, मतलब कर ही रहे हैं 4-5 साल से, ये भी सीख लो वो भी सीख लो। राइट, वो है, देखते हैं। आपका नाम सर नहीं पता मुझे, बता दीजिए। अच्छा, अच्छा, मुझे किसी ने लिंक भेजा था तो मैंने ज्वाइन किया आपको। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी, धन्यवाद आपका। हाँ, वंदना सिंह बैठी हुई है, उन्होंने लिंक भेजा था। जी जी बोलिए। वैसे मैम मैं एक बार मैं ये बोलूंगी, आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आ गए मैम। मैं ये बताना चाहूंगी आपको, मैंने भी राजीव अरोड़ा जी से भी करा हुआ है, मैंने भी बीएनएन, मैंने भी, पर आप जब सर से करेंगे ना, मैंने सर का भी ज्वाइन किया है, आप बहुत बेटर फील करेंगे, मतलब आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। जो मुझे फील होता है, जो आपकी सिचुएशन है ना, वही सिचुएशन फील होती है कि वो चार्ट खोलो तो आफ्टर ज्वाइनिंग, हाँ, मतलब बीएनएन हम सीख रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेशन को लेके कंफ्यूजन होता है, कोई डिग्री वाइज, कोई रेट्रो वाइज, उसको कहाँ से चलाता है, कोई रेट्रो लेता है, वो दिक्कतें आती हैं। काफी डिटेल में कराया है, प्रोग्रेशन इन्होंने काफी डिटेल में पकड़े हम। हाँ नहीं, आप एक बार सर का ज्वाइन करेंगे, आपको काफी, मेरे को लगता है आपको बहुत क्लैरिटी आनी चाहिए मैम। आप देखिएगा तो जो नाम आपने लिए ना, वो मैंने भी काफी, उनमें से काफी नेम्स मैंने भी उनसे कनेक्ट किया हुआ है, पर राजीव सर के पास आके मुझे काफी बेटर लगा, काफी बेटर। अभी राहुल कौशिक को सुनते रहते हैं, उनकी अलग थ्योरी कैट वाली चलती रहती है, कर्मा अलाइनमेंट उनका अलग चलता रहता है, उनका भी बहुत अच्छा है। अभिराम है एक सर कानपुर वाले, उनको सुन लेते हैं, जो मिल जाए सबको सुनते हैं। सारे अपनी जगह अच्छे हैं, जिससे सब अच्छे हमें मिल सकती है, सब अच्छे होते हैं, सबका अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरा मानना एक ही है, अगर आप जो सीख रहे हैं और वो लगा नहीं पा रहे हैं तो वो ज्ञान ज्ञान किसी काम का नहीं है, वही हम लोग अटक जाते हैं कि मतलब वही। सर एक बात बताइए, क्या ये भी हम टाइम निकाल सकते हैं कि हम कब तक कितना सीख लेंगे? हमसे सीखा ही चल रहा है कि यहाँ भी सीखा, वहाँ भी सीखा। वंदना नहीं, सुनो, कौन सी विधा में पारंगत है, जैसे सबके लिए सब नहीं होता, कौन बीएनएन बैच कर सकता है, कौन केपी कर सकता है, कौन वैदिक कर सकता है, ये वाली अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन किस में पारंगत हो सकता है। वो तो बहुत जरूरी पता करना है, उसी में लगो को देखो। यहाँ सब ना सब जगह से भागे हुए लोग बैठे हुए कि कहाँ सीख के आए, सर कहाँ चले गए जी? मैं यहीं पे हूँ नीता जी, सुन रहे हैं वो तो। सर सब आपको पकड़ लेंगे इस बारी, सिखा दो बस। मतलब हम लोग सोचे कि एज ए प्रोफेशनल काम शुरू करें या किसी को चलो ऐसे ही सिखाना, तो हम ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम सामने वाले को क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। और लोग कहते नहीं, शुरू करो आ जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते आप दूसरों को सिखाओगे करोगे या कंसल्टेंसी करोगे तो आ जाएगा। अरे मैंने कहा अपना ही नहीं समझ आ रहा, हम दूसरों को क्या मिसगाइड नहीं कर सकते भाई, जब तक अपन सीख नहीं। इतना ही फर्क है हमारी एकेडमी में और बाकी एकेडमी में, इतना ही फर्क है। यहाँ पे हम यही करते हैं कि सब लोग एक लेवल पे आए, हमारी हमेशा कोशिश रहती है, इसीलिए हमारी निरंतर प्रयास रहता है कि इंसान कनेक्टेड रहे और जब भी दोबारा कोर्स चालू हो तो दोबारा करे, ताकि वो कंटेस्ट हो सके, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज कंटेस्ट नहीं होती है। वो बहुत इजी है, यही कर उससे बड़ा अच्छा लगता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। रिपीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर आपके में तो कभी भी रिपीट कर ले, आपका तो बहुत ही अच्छा हुआ। मेरा विचार ये नहीं है कि हम सिर्फ एकेडमी किसी मॉनिटरी गेम्स के लिए चला रहे हैं। मेरा विचार ये है कि हम एकेडमी को इसलिए रन कर रहे हैं ताकि हम सब लोग जीवन में तरक्की कर सकें, हम सब लोग जीवन में जीवन की समस्याओं से ऊपर निकल सके और बेहतर जीवन बना सके, अपने लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी। सर यही उद्देश्य है कि हम किसी का भला करें, अच्छा करें, किसी को गाइडेंस दे पाए, इस चीज को लेके चलते हैं। भले ही पैसा एक मोटिव नहीं है, मतलब लोगों को सही बताएं। एस्ट्रोलॉजी जो मिसगाइड होती है, सब चीजें उसको लेके थोड़ा भ्रम है, विश्वास नहीं करते बहुत से लोग। एक चीज और करते हैं, जाते जाने से पहले एक और सब्जेक्ट करते हैं, जो टाइम आपने दिया ही है। अनीता जी, मैंने सर से स्टार्ट किया है, मतलब मेरा तो ऑकल्ट साइंस का फर्स्ट न्यूमरोलॉजी से सर से स्टार्ट हुआ है। मुझे कभी किसी और टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे कहीं और जाना चाहिए। एटलीस्ट मैंने हीलिंग सीखी है, मैंने सर से एस्ट्रोलॉजी सीखी है, न्यूमरोलॉजी भी सीखी है, तो मुझे, और वास्तु भी कर ही रही हूँ, बेसिक भी किया है, एडवांस भी, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। मतलब मुझे हमेशा सेटिस्फेक्शन मिला है। चलिए बढ़िया है, हम भी शुरू करते हैं। धन्यवाद। जाने से पहले इस क्लास को, आज की क्लास को समाप्त करने से पहले कुछ दिशा शूल पे हम जरूर बात करेंगे। वेरी क्विक टॉपिक, याद आए तो ठीक है, नहीं तो नोट्स के माध्यम से बाद में आपको मिल जाएगा। उत्तर पूर्व ईशान की दिशा में अगर आप, दिशाशूल कब लगता है पहले तो ये समझते हैं। दिशाशूल जब लगता है, आजकल बहुत ही भ्रांतियां हैं कि दिशाशूल इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, इस वार में, स्थिति में। सबसे पहले तो ये देख लें कि दिशाशूल जब लगेगा जब आप अपने घर से निकले और किसी जगह पे पहुंच के वापस आने तक ओवरनाइट हो जाए, विच मीन्स कि घर से निकल के वापस घर पे आने में एक रात बीती है, तब दिशाशूल अप्लाई होएगा। अगर आप सुबह घर से निकला, शाम को वापस आ गए, तो वो दिशाशूल अप्लाई नहीं होगा। ये बात का ध्यान रखें पहले तो। अब इसी को कनेक्ट करते हुए आगे बात करते हैं उत्तर पूर्व ईशान। ईशान में अगर बुधवार शनिवार को उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा करनी वर्जित मानी गई है। बुधवार शनिवार को उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा करनी वर्जित मानी गई है, और इस दिशा में यात्रा करने से दिशाशूल लगता है। इसका उपाय क्या है? अगर बुधवार को यात्रा करते हैं तो बुधवार को तिल या धनिया खाकर यात्रा करें, और शनिवार को अगर यात्रा की जाती है तो उड़द की दाल, अदरक, ठीक है, तिल खाकर यात्रा करें। तो पहले 5 कदम पीछे चलें और फिर 5 कदम आगे बढ़ा के अपना यात्रा को स्टार्ट करें। बट ये दिशाशूल जब लगेगा जब आप ओवरनाइट कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर पूर्व की दिशा में ईस्ट की दिशा में यात्रा करनी पड़े तो यात्रा सोमवार और शनिवार को वर्जित मानी गई है, दिशाशूल माना गया पूर्व की दिशा में यात्रा करने से। सोमवार को यात्रा करने के लिए दर्पण में शीशे में देखकर या पुष्प खाकर या फूल की पत्तियां खाकर घर से बाहर जाएं। पहले 5 कदम उल्टा चलें और फिर चलें। शनिवार को अगर यात्रा करनी पड़ती है तो अदरक खा के यात्रा करें, इससे सफलता प्रदान होती है। इस प्रकार अगर दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट की दिशा में अगर यात्रा करनी पड़े तो गुरुवार को दक्षिण पूर्व की दिशा में यात्रा करना दिशाशूल माना गया है। गुरुवार को दही या जीरा खाकर घर से बाहर चलें। पहले 5 कदम पीछे चलें और फिर आगे बढ़ें। ये दक्षिण, ये डायरेक्शन हो गई आग्नेय कोण की। दक्षिण की दिशा में यात्रा करनी बढ़िया है तो दक्षिण की दिशा के लिए गुरुवार को दक्षिण की दिशा में यात्रा करना अगेन वर्जित माना गया, दिशाशूल माना गया। उपाय अगेन सेम, गुरुवार को दही खा के जीरा खाकर घर से बाहर निकलें। पहले 5 कदम आगे बढ़ें, पहले 5 कदम पीछे चलें, फिर आगे बढ़ाएं। दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में रविवार और शुक्रवार को वर्जित माना गया या दिशाशूल माना गया। उपाय के लिए रविवार को पान खा के, रविवार और शुक्रवार को माना गया तो रविवार को पान खा के या दलिया खा के या घी खाकर चलें और शुक्रवार को जौ खाकर बाहर निकलें। पहले 5 कदम पीछे चलें और फिर आगे बढ़ें। पश्चिम की दिशा में अगर यात्रा करनी पड़ती है तो रविवार और शुक्रवार को दिशाशूल माना जाता है। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम की दिशा के लिए अगेन सेम, रविवार को दलिया खा के घी पान खाकर और शुक्रवार को जौ खाकर या राई खाकर घर से बाहर निकले। पहले 5 कदम पीछे चलें और फिर वो आगे अपना कार्य पे बढ़े। उत्तर पश्चिम वायव्य को नॉर्थ वेस्ट की दिशा में अगर यात्रा करनी पड़ जाए तो मंगलवार को वर्जित माना गया, दिशाशूल माना गया। उपाय के लिए मंगलवार को गुड़ खाकर घर से बाहर निकलें। पहले 5 कदम पीछे चलें और फिर अपना आगे यात्रा शुरू करें। उत्तर दिशा के लिए मंगलवार बुधवार को उत्तर वर्जित माना गया। मंगलवार बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा वर्जित माना गया, दिशाशूल माना गया। मंगलवार के लिए उपाय अगेन गुड़ खा के और बुधवार के लिए तिल दरिया खा के घर से बाहर निकले। पहले 5 कदम पीछे चलें और फिर वहां से आगे बढ़े। ये दिशाशूल के कुछ नियम थे जो मैंने आपको शेयर किए। अगेन दिशाशूल जब लगेगा जब आप घर से बाहर निकाल के नाइट तक घर नहीं आ रहे, यानी कि आप कहीं बाहर ओवरनाइट सो रहे हैं, अगले दिन घर आ रहे हैं, तो ये दिशाशूल अप्लाई होएगा और उसके लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। नोट्स के माध्यम से आपको जर्नी में ये प्राप्त हो जाएंगे। सर इसमें मुझे एक क्वेश्चन है जी, मतलब पहले खा लें देन वो 5 स्टेप्स पीछे लें, समवॉट लाइक दैट, ऐसे करना है? यस यस। और फिर 5 स्टेप्स में ही आउट ऑफ द हाउस होना चाहिए, ऐसा कुछ है या नहीं? यस, 5 कदम पीछे बढ़े चलें, 5 ही कदम आगे जाएंगे ना, जब 5 कदम पीछे होगे तो पहले 5 कदम पीछे चलें फिर 5 कदम आगे बढ़ के हम बाहर निकल जाएं। नहीं समझो घर से बाहर निकलना है ना, ये मतलब है? यस, करेक्ट करेक्ट, यू राइट यू राइट। एंड कुछ स्वर का भी ध्यान देना चाहिए सर, अगर जैसे स्वर का के स्वर पे भी हम काम करेंगे। मैंने बोला था स्वर पे पहला सुबह उठते ही पहला टांग सबसे पहला कौन सा, सबसे आगे कौन सा, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी में कैसे करेंगे वो हम करेंगे। वो अगर लॉन्ग जर्नी के लिए जाना हो, अगर लॉन्ग जर्नी के लिए जाना हो तो दिशाशूल को देखना चाहिए, तो दिशाशूल को देख लेना चाहिए। हाँ जी, उस समय फिर जैसे अगर दिशाशूल है तो स्वर, और फिर जैसे वो तो करेंगे आपने कहा 5 स्टेप्स पीछे दिन आगे, तो उस समय स्वर को भी जैसे कुछ ध्यान देना चाहिए। स्वर को भी दोनों एक्टिविटीज कर लेना चाहिए, दोनों एक्टिविटीज। तो सर लेफ्ट स्वर को बाहर रहना चाहिए, पहले लेफ्ट पांव करेंगे इसको करेंगे इसी में जाना है, इसलिए कोई बात नहीं, आप मुझे आप पूछ लेना, आप मैं फोन कर लूंगी सर। ठीक है सर, आपका नंबर इसमें है जो लिखे हुए हैं, आप ही के नंबर हैं ये। मैं एक बार दोबारा लगा देता हूँ स्लाइड पे। अगर आप ये नंबर्स हैं यहाँ पे एकेडमी के नंबर्स दिए हैं, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? हाँ जी, लिया वो, और इसपे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये एकेडमी का नंबर है। मेरा पर्सनल नंबर जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो ग्रुप के अंदर मेरा पर्सनल नंबर आ जाएगा। अच्छा, और कंसल्टेंसी भी होती है? जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल। आप ही करते हैं एस्ट्रोलॉजी या वास्तु की होगी तो मैं करता हूँ, अगर हीलिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे तो हीलिंग के जो मास्टर्स हैं फिर वो करेंगे। हाँ, जैसे एज ए प्रोफेशन प्रॉब्लम है, मेरी बेटी है उसको प्रॉब्लम है और भी चीजें हैं, कुंडली मिलान का भी टॉपिक होता है जी। एकेडमी के अंदर सारी विद्याएं हैं ऑकल्ट साइंसेस की, हीलिंग की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की, हीलिंग के अलग अलग सब्जेक्ट, लामा फिरा, रेकी, फैमिली कॉन्स्टेलेशन और PLR, अदर मेनी सब्जेक्ट्स, मेनी हीलिंग। We are in the 100+ subjects. We have covered it already. Academy has covered 100+ subjects. और जितनी हीलिंग की मोडेलिटी, हर सब्जेक्ट का अपना अपना फैकल्टी है, अपने अपने प्रोफेशनल्स हैं। और मेरे सब्जेक्ट में एस्ट्रोलॉजी वास्तु से रिलेटेड होगा तो मैं करूंगा, अगर हीलिंग से रिलेटेड होगा तो हीलिंग की फैकल्टी करेंगी। एस्ट्रोलॉजी में आपका वैदिक, BNN, KP सब है जी? वैदिक, BNN, KP, लाल किताब सब है। ठीक है, राइट। सो आज की जर्नी के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, आपका समय देने के लिए, कीमती समय आपने दिया। एंड आई एम श्योर कि आपको कुछ गेन हुआ होगा। आज हमने काफी सारे पॉइंट्स छेड़े, आज टच किए, कवर किए। आई एम श्योर कि कुछ बेनिफिट रहा होगा। पर्पस ये कि आपका समय खराब नहीं होना चाहिए और इसलिए जितने टॉपिक कर सकते थे इस कम समय में हमने करने की कोशिश की। 2 महीने की जर्नी में हम भरमार टॉपिक करेंगे। ये इट्स ए Promise from my side, you will not feel कि 2 महीने में आपको कुछ मिला नहीं। You more than expectation you will get out of in 2 months. That is for sure. Thank you sir, नमस्कार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार आप सब लोगों का। Thank you, नमस्कार, thank you, thank you, thank you, thank you.